वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु कैसे हो सूर्या? बड़े अरसे बाद मिले, सब खैरियत तो है? सब खैरियत हाँ। है, लेकिन मेरा परिवार दहशत में रहता है हाँ। ये माफिया वालों से खतरा तो हमेशा है ही, पर हम अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकते। येलो सूर्या, यही वो खुफिया फाइल है, इसमें हिंदुस्तान के तमाम नामी गिरामी क्रिमिनल्स की डिटेल्स है, और उन सारे क्रिमिनल्स का सरगना है ये राणा भाई। पूरे हिंदुस्तान के लिए सरदर्द बना हुआ है ये। अपने भाई छोटा लाला और उसके खास आदमियों शकील, रॉबर्ट और गुरु के साथ मिलकर पूरे अंडरवर्ल्ड पर हुकूमत करता है। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां इनका ड्रग्स और इनके हथियार सप्लाई ना होते हो। इनके रास्ते में आने वाला हर शख्स मौत की आगोश में पहुंच जाता है। पैसों के लालच में ये अपने ही मुल्क में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने से भी नहीं हिचकिचाता। बहुत सारे नेता और पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इसके साथ मिले हुए हैं, इसीलिए ये आज तक कानून के शिकंजे से दूर है। इस फाइल में उन भेड़ियों के सारे सबूत हैं। मैंने अपनी जान पे खेल के इसे बनाया है। मैं चाहता हूँ अखबारों में इसे छपा कर तुम उन्हें सजा दिलवाओ। जीजा जी, आपने जो अपनी जान पर खेल कर ये सबूत इकट्ठा किए हैं ना, वो काबिले तारीफ है। देखना मैं उन दरिंदों का क्या हश्र करता हूँ। सूर्या, जितना तुम समझ रहे हो ये काम उतना आसान नहीं, इसमें बहुत खतरा है। वो लोग एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। मैं चाहता हूँ उससे पहले उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा दिया जाए। बेहतर है, आप अपना काम जारी रखिए। अच्छा सुनो, आज रक्षाबंधन है ना, तो राखी बंधवाए बिना ही चले जाओगे? ओ ठीक है, चलिए। भैया मेरे प्यारे भैया, खुश रहो। माधु, मम्मी ने मामा जी को बांधा, अब तुम मुझे बांधो। ठीक है। गुरु। हाँ भाई। अपने काम को अंजाम देने का वक्त आ गया है। मुंबई को दहलाना है। पहला ब्लास्ट वीटी स्टेशन पर होना चाहिए। हर 5 मिनट में एक नए इलाके में धमाका होना चाहिए। हो जाएगा भाई, आज की रात मुंबई में धमाके ही धमाके होंगे। बूम। ब्लास्ट से पहले गैंग के साथ रॉबर्ट और शकील मुंबई जाएंगे। तुम दुबई के लिए रवाना हो गए, और छोटे के साथ रघु शिप के जरिए मलेशिया जाएगा। भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं गांव जाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, जा। माँ है ना, जाना तो पड़ेगा। ए रघु, खबरदार रहना, आसपास बहुत गद्दार मौजूद हैं। हमारा प्लान किसी को भी जाहिर नहीं होना चाहिए, वरना। जी भाई। भाई, छोटे भाई से ज्यादा इस गद्दार पर यकीन कर रहे हो? नमक हराम है ये, काम तमाम कर दो। उसका साला जर्नलिस्ट है, हमें हर कदम भूख भूख कर रखना पड़ेगा। उसके पूरे खानदान को हमेशा के लिए साफ कर दो। लक्ष्मी, लक्ष्मी कहिए ना, क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने मेरे साथ गद्दारी की। हा? अपनी जान पे खेल के जो सबूत मैंने इकट्ठा किए थे उसकी फाइल उसने राणा को दे दी। हमें फौरन निकलना होगा, वो लोग किसी भी पल यहाँ आते होंगे। राम, मेरी बात ध्यान से सुन, अब तुझे ही कुछ करना होगा। तू मेरी आखिरी उम्मीद है बेटा, मैं अपने मुल्क के लिए ही जिया हूं और अपने मुल्क के लिए शहीद हो जाऊंगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी माँ और बहन का ख्याल रखना। ठीक है पापा, मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगा। ये क्या कर रहे हैं? जब तक मैं जिंदा हूँ तुम लोगों पर आँच भी नहीं आने दूंगा। तुम बच्चों को लेकर जाओ, उन्हें मैं यही रोकता हूँ। मैंने कहा ना, जाओ जाओ। Ah!
कैसेट दे। मम्मी पापा का दिया हुआ कैसेट कहीं गिर गया, मैं लेकर आता हूँ। बेटा भैया वापस आ जा बेटा। तू यहाँ क्या कर रहा है? चला जा यहाँ से। छोड़ दो। चला जा यहाँ से। भाई ये इसका बच्चा है, बीवी बच्ची के साथ भाग गई। पापा। 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 मेरे पापा का बहुत मारो। मेरी आस्तीन में पलने वाले सांप तो मुझे ही डसने की सोच रहा था। पापा। छोड़ दो, पापा को छोड़ दो। इस सबूत को संभाल के रखना। क्या दिया है तेरे बाप ने तुझे? ला मुझे दे। तो देखो भाग रहे हैं। अबे उसको ले जा। जाओ उसे पकड़ो। अच्छा चाहिए वो। घेर उसे तरफ से घेर। रुक। अरे देखो छत पे। उस तरफ। जाने भाग रहा है। जाने यार। कहाँ जा रहे हैं भैया? बेटा किसी बुड्ढे को चार बच्चों के साथ देखा क्या? बोलता क्या नहीं? अबे तेरी तो चल। दीदी को छोड़ो। क्या बुड्ढा कहाँ है? नहीं छोड़ो मुझे। तेरी तो। अरे ये क्या किया तूने? अब चल यहाँ से, छोड़ इसे। मैं एक मामूली मैकेनिक हूँ। इन बच्चों को देख रहे हो? ये अनाथ हैं। इनके माँ बाप बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए हैं। इनका अब इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा। ऊपर वाला ही इनका मालिक है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं बेटा? मार डाला उनको। उन दरिंदों ने मार डाला मेरे माँ बाप को, उस राणा भाई ने। दरिंदे, तुम्हारा परिवार ही नहीं, इस शहर में 3 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं जिसमें सैकड़ों परिवार बेमौत मारे गए। ब्लास्ट के बाद वो दरिंदे मुल्क छोड़कर भाग गए। ऊपर वाला ही उन्हें इसकी सजा देगा। नहीं, उन दरिंदों को सजा मैं दूंगा। एक एक को चुन चुन के मारूंगा। फिक्र मत करो बेटा, वो हैवान दुनिया में कहीं भी हो, तुम्हारे इस इंतकाम में मैं तुम्हारे साथ हूं। एक सच्चे मर्द की जुबान है ये। ग्यारह बजे तक बोला था सर ने, तो रिपोर्ट हमें देनी पड़ेगी। तब तक आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। डियर ऑफिसर्स,
एक डेंजरस सिचुएशन के बारे में डिस्कस करने के लिए ये एक इमरजेंसी मीटिंग है। आज हैदराबाद के एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये आप सब जानते हैं। वो ब्लास्ट आरडीएक्स से किया गया है। दरअसल ये ब्लास्ट उन लोगों से अनजाने में हुआ है, इसे एक्सीडेंट कह सकते हैं। सोचने की बात तो ये है कि उसके बगल वाले प्लॉट में 1 किलो आरडीएक्स मिला है। इससे ये बात साबित होती है कि उनका हैदराबाद के हर शहर में ब्लास्ट करने का इरादा था। जब हमने उनके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तब हमें पता चला कि राणा गैंग के रॉबर्ट और शकील मलेशिया से इस गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ जो राणा गैंग को संभालता था वो था गुरु। सुनने में आया कि वो इस ब्लास्ट में मारा गया। उन्हें इंटरोगेट करके ब्लास्ट की सारी डिटेल्स मंगवा लें सर। ये संभव नहीं है क्योंकि उन तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं बचा, कुछ और सोचना होगा। सर ये काम बड़ा रिस्की था। नो रिस्क नो गेन। अगर मना करता तो सीधे 6 फुट के कब्र में जाता। गुरु भाई आज सारा शहर थर्रा जाएगा। सर प्लीज गिव मी फुल पावर्स। रॉबर्ट शकील और राणा के दोनों भाइयों को जहन्नुम से भी घसीटते हुए यहाँ ले आऊंगा। मलेशियन पुलिस डिपार्टमेंट से मैं बात करूंगा। यू गो अहेड। ओके सर। ब्लास्ट को रोकने तक इस ऑपरेशन को राजी रखना होगा। जब्बार, खबर मिली है कि शकील कुआलालंपुर आ रहा है। मलेशिया के आईएसडी लाइन से राणा गैंग के बारे में हमें पहली बार कुछ खबर मिली है। हमें अपने लोगों को बचाने के लिए उसकी कब्र खोदनी होगी। भाई ये रॉबर्ट और आपके बारे में हमारे आदमियों से पूछ रहा था। कौन है बेतू? हमारे बारे में तफ्तीश कर रहा है, मरने की जल्दी है। ए सुअर, हाथ उठाने से पहले एक बार सोच ले कि तू किस पर हाथ उठा रहा है। मुझ पर उठने वाले हाथ काट दिए जाते हैं। मेरे ठिकाने पे आकर मुझे धमकी दे रहा है, कौन बचाएगा तुझे? कौन बचाएगा बोल। वो एक आंधी है, अगर वो यहाँ आ गया ना तुझे उड़ा ले जाएगा। भौंकना बंद कर। ए, तू नहीं जानता तू किसे आने की दावत दे रहा है। अगर वो आ गया ना तो तेरे इतने टुकड़े करेगा कि तेरे फरिश्ते भी तुझे पहचान नहीं पाएंगे। आज इस एयरपोर्ट पर तुम लोगों की कब्र बनेगी, देखता हूँ कौन बचाता है। कौन है वो, कहाँ है वो? मिस्ट्री क्रिएट करता हूं मैं हिस्ट्री। तुम सबको मारने के बाद ही होगी मेरी विक्ट्री। मैंने कहा था ना, पर तुम मेरी बात नहीं माने, अब वो तुम्हें। Hey, catch him alive. Ah!
बे तू? शैडो, आई एम सन ऑफ रघुराम, दिस इज द बिगिनिंग। वेलकम टू कुआलालंपुर जनाब। आप? आई एम पीटर पिंचलोया, इन चार्ज सीनियर कॉप। ये है जूनियर कॉप मस्तान। सलाम सर। मिस्टर पिंचलोया जी, राणा गैंग की डिटेल्स के साथ मुझे यहाँ के सारे माफियाज की डिटेल्स भी चाहिए। इस माफिया गैंग की तफ्तीश पहले से ही कोई कर रहा है जनाब? शकील तो नेस्तो नाबूद हो गया और मिस्टर पिंचलोया, जनाब राणा गैंग की हरकतें और वो कारोबार कहाँ से ऑपरेट करता है उसकी पूरी मालूमात चाहिए। जी जनाब। उस गैंग के बारे में कोई भी खबर मिले तो आप सीधे मुझे फोन कीजिएगा। बेशक जनाब। टोल फ्री नंबर 668। हो गई रॉबर्ट की खली बली। अब्दुल, ये रहा तेरा पासपोर्ट। तुझे हैदराबाद जाकर काम को अंजाम देना है। गुरु भाई इसी काम के लिए शहीद हो गए, इसलिए अब वो काम हम लोगों को करना है। ध्यान रहे, करेक्ट टाइम और करेक्ट प्लेस पर अक्टूबर में ब्लास्ट हो ही जाना चाहिए। और हाँ, शकील के कातिल का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, इसलिए होशियार। कौन हो तुम लोग? उस रॉबर्ट को जिस पुलिस वाले ने पकड़ा था उसे मार दूंगा। कीड़े मकौड़ों के चक्कर में वक्त जाया नहीं करते, हमारे लिए जरूरी यह है कि रॉबर्ट को कैसे छुड़ाएं। जरूरत पड़े तो पुलिस वालों की लाशें बिछा दो, उन्हें बर्बाद कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस राणा भाई को खबर मिलने से पहले रॉबर्ट बाहर आ जाना चाहिए। बुरी खबर है बेटा, जिस रॉबर्ट को तुम ढूंढ रहे हो उसे यहाँ की सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे एक हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है, वहां उससे पूछताछ की जा रही है। जेल से उसकी लाश ही बाहर जाएगी। सर, रॉबर्ट गिरफ्तार हो चुका है। 2 अक्टूबर की स्कीम को जानने के लिए वो हेल्पफुल होगा। मैं उसे स्पेशल फ्लाइट से लेकर आ रहा हूँ सर। प्रताप, शकील का किसी ने मर्डर कर दिया है और कोई राणा गैंग को ट्रैप कर रहा है, बी केयरफुल। जी सर। लाहौल मिलाक कुवत, लगता है ये मैच भी पहले से फिक्स है। सही कहा जनाब। कहां से ले आए इस शराबी को? अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? सीधा खड़ा रहे। अरे छोड़ो। What is your name? My name. अरे अरे अरे, ले जाओ इसे यहां से। जब नशा उतर जाए तब ले आना। अरे मैं कैम 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 खराब कर ही समझाया क्या? देख लिया क्या बात है? अरे जनाब देखिए, फिर से चौका मारा, क्या बात है। सर, भले ही उसने शकील को मार दिया हो पर रॉबर्ट तो सेल में है और सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। कल सुबह उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा सर। उस शैडो का कोई भरोसा नहीं। स्टॉप, कुछ गड़बड़ है। गाड़ी घुमाओ। सर, शिट। ए, कौन है रे तू? शैडो, शकील को मारने वाला शैडो। तू यहाँ कैसे आ गया? शिकार को खत्म करने के लिए जेल तो क्या मैं जहन्नम भी पहुंच सकता हूँ? छोड़ मुझे। आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तेरा मरना तो तब से तय था जब नाना और तूने मिलकर मेरे माँ बाप को मारा था। तू उस रघुराम का बेटा है? नहीं। राणा कहाँ छुपाए पता? राणा भाई के पास पहुंचना तेरे लिए नामुमकिन है। दूसरा जन्म ले ले तो भी नहीं। मौत कहीं भी पहुंच सकती है। राणा मौत का दूसरा नाम है, उसके खूनी पंजे से मौत भी ठहराती है।
चलेगा ओ जनाब, मेरे जाने के बाद यहाँ कोई आया था? हाँ वो एक शराबी आया था। है वो लॉकअप में सर। हाँ लॉकअप में। सर ये तो हमारा कॉप है सर। डैम इट कम। शैडो ऑफिसर्स सारे दरवाजे बंद कर दो। उस तरफ देखो, जल्दी करो उस तरफ। यस सर। जनाब देखिए वो कौन है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ मैंने कहा, वरना गोली मार दूंगा। ये गिनती क्यों कर रहा है? हेलो। थैंक यू ऑफिसर, मुझे वहां से निकल जाने देने के लिए। शैडो सही पहचाना सर, आपका टारगेट और मेरा टारगेट एक ही है, राणा भाई और उसका गैंग। उन सबको मैं ठिकाने लगा दूंगा, आप इंडिया जाके आराम कीजिए। तुझ जैसे गुनाहगार को जब तक मैं दबोच नहीं लेता मैं कहीं नहीं जाने वाला। जल्दी मिलेंगे। वो मर्द पैदा नहीं हुआ जो शैडो को कैद कर ले। शैडो मौत का दूसरा नाम है। देखते हैं। अभी अभी श्रीलंकन एयरलाइंस के मेरे एक दोस्त से मेरी बात हुई है। एक एयर होस्टेस राणा ग्रुप की सारी डिटेल्स पेन ड्राइव में लेकर आ रही है। उस मोहतरमा को हम पहचानेंगे कैसे? फिक्र मत करो, वो पहचान लेगी। कौन आवत है सर? अरे चीर फाड़ करने वालों का उस्ताद आ रहा है। उसका नाम है साइको सिंह। साइको सिंह? करेक्ट। उर्फ डॉक्टर डोंगा श्रीनिवास राव, पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट। कहते हैं मुर्दों को सूंघकर ही वो उनके मरने का राज बता सकता है। अच्छा। अजीजों मुझे इस तरह धक्का दे दे कि तुम एक दिन तरक्की के पायदान को पार कर लोगे। चपड़ गंजुओं बताओ वो अंजू कहाँ छिपी है। अंजू तुम्हारे इंतजार में मैं सुख के काटा हो गया हूँ। भैया ने उतरते ही फोन करने के लिए कहा था तो मैं फोन करने के लिए चली गई थी। फिक्र उनकी नहीं हमारी करो। क्या कहा भाई ने? हाँ वो कह रहे थे कि मुझे एक लड़का देखने के लिए आ रहा है, मुझे बहुत पसंद करता है। भैया ने कहा मेरे लिए सरप्राइज है। आप यहाँ पे मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, अय्याशी करने नहीं। माफ कीजिए सर, वो मेरे भाई ने कहा था इसलिए। जानी जो हमारे पीछे नहीं रहेगा वो हाथ मलता रह जाएगा। और यहाँ गुसल खाना भी नहीं है, पानी की किल्लत है, इसलिए तुम्हें टिशू से काम चलाना पड़ेगा। मुझे टिशू मंजूर नहीं है क्योंकि मुझे उससे खुजली हो जाती है। कई लोग मुझे खुजली सिंह ना बुलाए। तो मशीन खराब हो गई ना। फितरत के बारे में तुम क्या जानो रमेश बाबू? आपकी गलत फहमी है सर। सही कहा अंजू। हाँ जी सर। अपने भाई से कह देना कि उसकी दाल तुम्हारे सामने नहीं गली। अरे मेरा लकी जैकेट। वो देखना है वही है छुचुंदर उल्लू का पट्टा। हाँ। की आंख वाला। नमस्ते साइको सिंह जी, वेलकम टू मलेशिया। अरे छोटे लाल भूखे तो दे, यही है वो। हाँ वही श्रीनिवास जी, आई एम योर लोकल मैनेजर हियर, ऑल इन ऑल। नाम? चमन फिसड्डी। चमन फिसड्डी? दादा कबड्डी में अक्सर हारते थे इसलिए सरनेम लग गया फिसड्डी। क्या शौक लगा ना? बिल्कुल ऐसा ही शौक मेरी दादी को लगा था। वो दूसरे दिन ही चल बसी, अब सिर्फ मैं ही जिंदा हूँ। और तेरी चीरफाड़ हम करेंगे। पांव कब्र में और मेरा चीरफाड़ करेंगे। चलिए सब चौकन्ने रहना, वो पेन ड्राइव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चारों तरफ पुलिस फैली हुई है इसलिए बी केयरफुल। हाँ धोबी का गधा, न घर का न घाट का। उस शैडो की वजह से मैं तो सड़क पर आ गया, पता नहीं अब क्या होगा। कुछ भी हो शैडो को गिरफ्तार करना ही होगा। ऐसे पकड़ेंगे उसे, वो क्या हमारी बगल से गुजरेगा और हम पकड़ लेंगे उसे। सर वो देखिए, सेम टू सेम, हुबहू वही दिखता है। मैन इन ब्लैक। ए रुको, ए रुको, ए रानी, ए छोटी। अरे गंदा हो गया। अरे ओ, अरे निकल गया। अरे मेरी रेड जैकेट कहाँ गायब हो गई, किधर गई?
वैसे अंजू, उसका नाम क्या है? तूने तो उसे देखा नहीं, फिर पहचाने की कैसे? उसका नाम हरिप्रसाद चौरसिया है, रेड जैकेट में होगा, शायद वो मुझे कोई सरप्राइज देने वाला है। हरिप्रसाद कितना आउटडेटेड नाम है, डेफिनेटली पसंद नहीं आएगा। बाप रे, ये चौरसिया तो बहुत हैंडसम है। जनाब तो कमाल लग रहे हैं। हाय, आपने मुझे बुलाया? क्या मैंने बुलाया? हाँ, आपने तो मुझे बुलाया। मैंने कब बुलाया? लगता है आपको कुछ कंफ्यूजन है, आप ही ने मुझे बुलाया। इसमें कंफ्यूजन कैसा, बुलाया तो आप ही ने था। आप में गाड़ी निकल जाएगी, काम की बात करो। अरे उसकी हाइट बाल हूबहू वही है। मुझे यकीन है ये वही है सर। क्या आप सरप्राइज भूल गए? जनाब देखिए, जनाब ने चौका मार दिया। दोनों किस कर रहे हैं? अरे कबूतर हैं, इश्क फरमा रहे हैं, समझा करो। अलविदा, लगता है बड़े दिनों बाद मिले हैं। राजा, पेन ड्राइव मिल गया, चल जल्दी से आ जा। अब मुझे जाना होगा। अरे हट साइड में। अंजू, दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। यहाँ पे कोई आया, छाया, धूम मचाया, मैंने क्या पाया? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, आई टेस्ट ले रहा है, पहली बार है, बाद में आदत पड़ जाएगी। चलो चलो। क्यों जी, हैदराबाद आना है या नहीं, या मलेशिया में ही सेटल हो जाना है? अरे आ जाऊंगा, तुम हॉस्पिटल गई थी कि नहीं? डिलीवरी की डेट मिल गई? हाँ वो तो मिल गई, लेकिन आप एक और खुशखबरी सुनिए। वो क्या? वो जो हमारे पड़ोसी है ना साइको सिंह जी, उनको मलेशिया भेज दिया आपका एड्रेस देकर। अरे उस साइको सिंह को मेरा एड्रेस क्यों दिया तुमने? मैंने नहीं दिया, वो तो खुद आए थे लेने के लिए, और अंजू भी रवाना हुई है उनके साथ। उससे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन साइको जी के साथ बैठते ही मेरा जीना दुश्वार हो जाता है। अगर वो यहाँ आ गए ना तो सच में मेरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। इसके पोस्टमार्टम की बात हो रही है जनाब, पोस्टमार्टम करने वाला आ गया है। बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी आप ही की बात कर रहे थे। हाय डियर ब्रदर। हाय अंजू, बात करो। हाय अंजू। भाभी, आपने जो अचार भेजे थे ना, वो फ्लाइट में सब बड़े मजे से ठेपले के साथ खा गए। हाँ जानता हूँ, भावले ऐसे ही करते हैं। लिप मूवमेंट से लग रहा है कि हमें गालियाँ दे रहा है। एयरपोर्ट पर लिप का कमाल देखा ना? क्या बात है, कितना शानदार झोपड़ा बनाया है तुमने। भाई साहब, यहाँ एक को छोड़कर सभी रह सकते हैं ना? एक को छोड़कर मतलब मुझसे मुखातिब हो? अरे उड़ता तीर लेने की आदत हो गई है क्या आपको? सुनो मियाँ, हम यहाँ 10 हफ्तों तक आराम फरमाएंगे, खातिरदारी वही होनी चाहिए जो शहंशाहों की होती है। यहाँ पिकनिक मनाने आया है। गुसल खाना उस तरफ जाइए। तुम लोग पेपर है ना? मेरे अजीजों, ये है डॉक्टर डोंगा श्रीनिवास का स्पेशल कोर्स, यानी साइको सिंह का अनोखा कोर्स। तालियां। इतनी चाहती है। आज आपके सामने एक बहुत बड़ा कमाल दिखाऊंगा, मुर्दे को सूंघकर उसका पोस्टमार्टम कर दूंगा। तमाशा शुरू। सुनो, तुम लोग डॉक्टर्स के साथ घुलमिल जाओ, मैं उसे सॉरी बोल के आता हूँ। ठीक है। सॉरी सर, कोई बात नहीं, जाओ। अंजू। हाँ भैया, अभी हॉस्पिटल में हूँ। हाँ, चौरसिया को भेजा था, मुलाकात हुई क्या? अच्छा वो चौरसिया? हाँ। वो तो मुझे एयरपोर्ट पे मिला था। मिला था? तुमने कैसे पहचाना? रेड जैकेट से। ठीक है ठीक है, अंजू उससे जरा ढंग से पेश आना, क्या है ना मोटा मुर्गा है वो। यू डोंट वरी, उसे मैं संभाल लूंगी भैया। वो क्या है कि मैं जल तू, जलाल तू, सारी बदबू निकाल तू। अब ये सूंघ के बताएगा क्या हुआ? सही कहा, मैं सूंघ के मुर्दे का एमआरआई कर रहा था। सर जी, क्या चुम्मा वाला? वो एक्चुअली वो मैं जेल में सुरंग लिबास बदल बदल के आता है बहुरूपिया, फिर से चुम्मी लेने आया होगा। अब इस चुम्मन कुमार के छक्के छुड़ाता हूँ। डॉक्टर साहब, जनाब आइए, आप डॉक्टर है ना, यहाँ के डॉक्टरी कीजिए, आइए आइए। आप उसे क्यों बुला रहे हैं? इस शेर की हेगड़ी निकालूंगा और ये दुम दुबा के यहाँ से भाग जाएगा। आइए आइए। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना आशिकी जितना आसान नहीं है, अगर ये बेहोश हुआ तो एडमिट करा देना। चलो मियाँ शुरू हो जाओ। कंट्रोल। ये तो काटेपुर का काटे लाल लग रहा है। आपसे तो कम है सर। इसकी शक्ल तो पीपल वाले भूत से भी भयानक है। मेकअप ज्यादा किया है। बताओ आशिक आवारा, ये मर्डर है या नेचुरल डेथ? डॉक्टर साहब, जल्दी से अपना काम करके बॉडी हमें सौंप दीजिए, बहुत खतरनाक गैंगस्टर था,
पता नहीं इन्हें इतना वक्त क्यों लगा। सरेआम इसका मर्डर हुआ है, इसे देखकर तुम्हें मैच करना होगा जैसा कि मैंने किया है। जल्दी बताओ बाबा कि ये अपनी मौत मरा है या इसके परखचे उड़े हैं। बताओ बताओ, यही मौका है, बताओ। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, इसके 10 सेकंड पूरे हुए। सबसे पहले गोली नहीं लगी थी, जबड़े पर घूंसा लगा था। करेक्ट सर, दैट्स अ फ्रैक्चर। पहला पड़ाव तुमने पार किया, अब ये बताओ कि इसके जिस्म में 3 बुलेट्स कहां कहां लगी हैं? 3 नहीं लगी, टोटल 5 बुलेट्स लगी। पहली 2 बुलेट्स पैर में, करेक्ट, बाकी की 3 अपर बॉडी में, जिसमें से 1 उसके दिल में घुसी, दूसरी वाली राइट चेस्ट में लगी और तीसरी लेफ्ट चेस्ट में। किलर ने साइलेंसर यूज किया था। साइलेंसर। बोल तो ऐसे रहा जैसे मर्डर इसी ने किया है। और ये दाग? इस दाग को लेकर आप कंफ्यूज मत होइए। कंफ्यूज काहे होंगे लल्ला, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, सलिया की मार है। नहीं, ये दाग वर्षों पहले की पत्थर की चोट का है। पत्थर करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब तो ज्ञानी हो सर, नहीं अंतर्यामी हो। डालिया सर, बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया, अब आप इसे ले जा सकते हैं। पता नहीं क्या मार जनाब है। उस आदमी को देखिए, उस आदमी की हाइट और बॉडी हूबहू वैसी है। सुनो मियां, गुफ्तगु किए बिना कहाँ जा रहे हो? मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ। मतलब माफिया हो, डेड बॉडीज ले जाने आए हो। दुल्हन देखने आया तो खो गई। सर आपकी इंसल्ट रोज होती है, उसमें नई बात क्या है, आदत डाल लो। मेरी बेगम इन 2 नमूनों के साथ थी। ए इधर आओ, इधर आओ। मैं हूँ मिनिस्टर का पुत्र चौरसिया, अंजू से मिलने आया था। उसके भाई ने कहा था कि रेड जैकेट पहनकर एयरपोर्ट पर उसका इंतजार करना। तो फिर क्या, रेड जैकेट खो गई, उसे कैसे ढूंढूं? ऑफिसर इसे हम नहीं जानते, रख लिया करो इसे। मिल गया बकरा। ये नमूना झूठ बोल रहा है किसी के साथ। अरे पूछो उसको। सर ये चौरसिया है तो फिर वो बहरूपिया। सर अगर ये ओरिजिनल है तो इसकी जगह आपको फ्रॉडी को पुलिस के हवाले करना चाहिए था। हमको नहीं मिटा सकता ये जमाना, अब ठोकर से है अपने दुश्मन को उड़ाना। इट्स अनबिलीवेबल, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो होश ही उड़ा दिया। आपने तो खड़े-खड़े बॉडी को स्कैन कर लिया था। चौरसिया जी आप क्या करते क्या चौरसिया? आप हरी पे बता देना। मैं कुछ चौरसिया नहीं, ये फ्रॉडी बहरूपिया है, बहरूपिया। फ्रॉड कहा तो नक्शा बदल दूंगा तेरा, जितना जमीन के ऊपर उतना जमीन के अंदर डाल दूंगा। पहले तू साइको का इलाज कर। हां चौरसिया कहाँ है? खून खोल रहा है मेरा, पारा चढ़ा दिया है इसने। हर बार वो फ्रॉडी अंजू के सामने मेरी बेइज्जती करता है। और तो और आपके और अंजू के बीच में कबाब में हड्डी बन गया। उस हड्डी को मैं दूध में मक्खी की तरह डुबो दूंगा। वो हुस्न परी सिर्फ मेरी है, मेरी। शक्ल से तो चूसा वो आम देखता है और हुस्न की परी चाहिए। अब इस कबाब को हड्डी से अलग करने का वक्त आ गया है। अब इसके सारे ऑप्शन खत्म हो गए हैं। उसने बुलंदी तोप से पंगा लिया है, अब इसे पता चलेगा कि तोप के सामने खड़े होने का क्या हश्र होता है। देख रहे हो ना कैसे फटे में टांग डाल रहा है ये। राम को पता चल गया ना, टांग तोड़ कर ना उसका। मेरा नाम है साइको सिंह, मैं अपने सारे दुश्मनों की बजाता हूँ घंटी ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। अब देखना कैसे पुंगी बजाता हूँ अपने शातिर दिमाग से। पुंगी बजेगी? पुंगी नहीं, इनके बजेंगे ढोल। बनूंगा मैं उसका किंग और वो होगी मेरी बेबी डॉल। भाई अपने शकील को उसी रॉबर्ट ने मारा है और रॉबर्ट इस वक्त जेल में है। इससे पहले कि शैडो उस तक पहुंचे उसे निकाल लेना चाहिए। अब वो कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। शैडो ने उसे पुलिस स्टेशन में ही मौत के घाट उतार दिया है। उसके फ्यूनरल की सोचो। बहुत रिस्क है भैया, वो हैदराबाद का एसीपी प्रताप हमें मार सकता है। बंदोबस्त करो। अंडरवर्ल्ड डॉन को हमें अंडरवेयर में इंडिया ले जाना है। किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। This is
And bless them. Give us grace to entrust the problem to your never failing care and love. And bring us all to your heavenly kingdom. Through Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. छोटे अरे छोटे अरे कब छोटे 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 Leave him तो नहीं कर रहा है मिस्टर एनी प्रॉब्लम ऑल ओके नो प्रॉब्लम इट्स ओके उजले ले यह
सुनो सुनो, सर ने सच में पुंगी बजा दी। सर आप अजूबा है, अजूबा नहीं अजूबा है मेरे। क्या बात है सर, आपने इसे ठिकाने लगा दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप अपने प्यार को पाने के लिए मर्डर भी कर सकते हैं। आपको सल्यूट है सर। कबाब की हड्डी निकाल के फेंकी सर। कबाब में हड्डी नहीं, मैं तो खुद फंस गया। अंजू इधर आओ। ओ गॉड, इसे खून निकल रहा है। फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। एक पागल प्रेमी है जो कि एक लड़की से प्यार करता है, उसी ने इसकी यह हालत की। क्यों नहीं, सर? मैंने कुछ नहीं किया। ये पता नहीं कहीं से आके मेरी कार पे गिर गया। इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, पुलिस को भी फोन करना होगा। ये जाएगा अस्पताल में और मजनू जाएगा जेल में। जेल? बधाई हो सर। मलेशिया में जब कोई एक्सीडेंट करता है तो उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर शॉक दिया जाता है। अगला नंबर आपका है सर। इलेक्ट्रिक चेयर पे तो आप तंदूर बन जाओगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ बाबूजी। थोड़े से आंसू मगरमच्छ वाले। अमां मियां, मेरे बाप ने भी आज तक कोई मच्छर नहीं मारा है। पता नहीं ये बहरूपिया कहाँ से अचानक मेरी कार पे आ गिरा। इंसानियत के खातिर मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। इतनी गुजारिश है कि ये बात प्रताप को मत बताना। अरे पर पुलिस को तो बताना पड़ेगा। ट्रिमर देना, ये लो। छोटे को मैं बचा नहीं पाया, पुलिस की वजह से शैडो मेरे हाथ से बच निकला। पूरे मलेशिया में सिर्फ तीन लोग हैं जो हम पर अटैक करने की जुर्रत कर सकते हैं, जॉन, कासिम, पॉल। मैंने उन तीनों को बुलवाया है। वो शैडो जरूर इन तीनों में से किसी का आदमी होगा। राणा भाई, व्हाई डू कॉल अस? इस धंधे में किसके कितनी औकात है, किस किस का कौन सा इलाका है, इस बारे में हमारे बीच समझौता हो चुका है। फिर भी तुम में से कोई एक मुझे, मेरे भाइयों को, मेरे गैंग को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। डाउट के लिए बुलाया क्या? तुम तीनों में से शैडो किसका आदमी है? राणा, दिस इज टू मच। वी आर नॉट वर्किंग विद यू। यू आर डूइंग मिस्टेक। वी आर नॉट योर बॉन्डेड लेबरर्स। तुम हमारा कुछ नहीं कर सकता। Rana, please forgive me. It's not my fault. Please forgive me. Look, these people, they brought me here. It's not my fault. Please let me go. Let me go, please. I beg of you. I beg of you. Mm-hmm. Please, thank you. His condition is really critical. भाई लाला भाई को पुलिस वाले ने अस्पताल में भर्ती कर दिया है। भाई, छोटे को पुलिस वाले हॉस्पिटल ले गए हैं। अब वो खतरे से बाहर है। आप कहें तो हॉस्पिटल से ही उसे उड़ा लें। हम उसके ठीक होने का इंतजार करेंगे। ये जानना जरूरी है कि हम पर हमला करने वाला ये शैडो कौन है। जनाब कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं, लगता है 6 महीने बाद उठेंगे। लगता है वो पूरी तरह से उठ चुका है। क्या बात कर रहा है सर? इलेक्ट्रिक चेयर कंफर्म। क्यों डराता है मेरे बाप? सोचा था यहाँ पे मजा करूंगा, मजा की जगह यहाँ पे मुझे सजा होने वाली है। अगर वो नहीं जागा तो पुलिस वाले मुझे हमेशा के लिए सुला देंगे। वो तो मैंने सर का वीडियो ट्विटर पे डाला था। क्या गालियां पड़ रही है, कुछ लोग तो जूते चप्पल लेकर इनको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर चुप रहेंगे, उनके बारे में सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है और आप लोग मजाक कर रहे हैं। घाव उसके दिमाग में घायल ये हो रही है। क्या ढूंढ रहे हैं? Hey, चरसिया जी, are you all right? सर, ट्विटर पर आपके ठीक होने के लिए दुआएं मिल रही हैं। आपके नाम का हाहाकार मचा है ना, बहुत ही कमाल की बात है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ बता दो। ट्विटर बंद कर, इससे सच्चाई बयान मैं करूंगा। देखिए मेरी बात, सब लोग कह रहे हैं कि मैंने आपको मारा है, जबकि आप मेरी गाड़ी के सामने जख्मी हालत में आए थे। बोलिए ये सच है, बताइए। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं दादाजी? दादाजी दादाजी पूरी दुनिया के दादाजी सही बोला एकदम। आपको लंग
अंकल जी। अंकल तुम सच में नहीं जानते क्या हुआ था? नहीं जानता आंटी। आंटी बज गई घंटी। मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ क्या? सॉरी बोलो, जल्दी सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी। हाँ। मुझे बहुत भूख लगी है आंटी। आंटी। खाना। आयको सर, आप तो कमाल हो सर। एक खतरनाक आदमी को आपने छोटे से बच्चे में बदल दिया। एक तीर से दो निशाना लगाया आपने। मुबारक हो सर। आंटी मुझे थोड़ा सा दूध दो ना आंटी, ब्रेड के साथ। लाओ लाओ ना। जरूर कुछ गड़बड़ है, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। इट्स अ पिक्युलर केस ऑफ रेट्रोग्रेड इनिशिया। किसी चोट की वजह से ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा डैमेज हो गया है। हो गया तो हो गया। हेलो, हाउ डू यू डू। ये अपनी आदर्श पूरी तरह से खो चुके हैं, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मुझे लगता है ये अपने चाइल्डहुड स्टेज में पहुंच गए हैं। यानी अब हमें इसे इसी तरह झेलना पड़ेगा। क्या इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर? अगर इन्हें किसी जानी पहचानी जगह या फिर किसी ऐसे इंसान से मिलवाया जाए जिन्हें ये बहुत करीब से जानते हो, तो शायद इनकी याददाश्त एक बार फिर से लौट सकती है। इसका क्या करूं? नहीं नहीं, दादू को दे दो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, प्लीज टेक केयर। बाबू चलो। शैडो की शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी। उस तक पहुँचने का जरिया सिर्फ ये लॉकेट है। सर वो शैडो हमारे सिक्योरिटी कैमरे से भी बच निकला सर। यहाँ तक के एयरपोर्ट और बस अड्डे के कैमरे में भी कोई फुटेज नहीं है। कहाँ है ये शैडो? आंसर। कौन है ये? मेरा मरीज है ये। पहले थोड़ा नॉर्मल सा था, अब दिमागी तौर से अब नॉर्मल हो गया है। अपने आप को बच्चा समझने लगा है। इसकी याददाश्त ठीक बचपन में चली गई है, इसलिए इस पे हम लोग थोड़ी रिसर्च करके इसे ठीक करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? इतना क्या सोच रहे हो? अंटी बंटी बजा दो घंटी। बंटी बंटी नाम है। वही बहुत। ये जगह हमने आपको रहने को दी थी और आप एक काम करो, ये पता करो कि ये लॉकेट कहाँ कहाँ बिकता है। ठीक है सर। ये लॉकेट ही इस गुत्थी को सुलझा सकता है। अरे मियाँ क्या है ना, वो थोड़ा सा पागल है इसलिए बड़बड़ा रहा है। सर वो क्या है? ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम उसे यहाँ से 9-2-11 कर देंगे, आपको भी इत्मीनान हो जाएगा। चलो ज्यादा बात आगे अपॉइंटमेंट लेके पूछना। ये लॉकेट चर्च के आसपास किसी ना किसी दुकान में जरूर मिलता हूँ, चेक कर। वो यही है। ठीक है सर। अंकल आओ चलो एक गेम खेलते हैं। बताओ किस हाथ में है? पता ये किस हाथ में है? अरे बेटा बंटी जाकर बाहर खेलो। आप बताओ ना। ठीक है ये वाले। नहीं है। अगर इस हाथ में नहीं है तो इस हाथ में तो होगा ही। मैं भाग जाऊंगा। क्या कहा? खेलूंगा मैं। ये बच्चे बनने का नाटक बंद करो और अंदर जा। जा बंटी तुम जाओ, छोड़ नहीं तो चलो। क्या बॉडी है सर, आप तो एकदम फौलाद के औलाद लग रहे हैं। वो क्या मारूंगा? देखने के लिए कोई नहीं मिला क्या जो इसको चने की झाड़ पे चढ़ा रहा है? चने की झाड़ पे चढ़ा के ही तो काटेंगे। पवन अंकल, पवन अंकल। अपन टेढ़ी खोपड़ी है। हाँ, वो तो हो। और अपन का एक उसूल है। हाँ, बहुत चलो ले, बहुत मजा आएगा। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। महेश अंकल अच्छा आपको सुसुआ आई है? मैं तो अभी अभी करके आया हूँ। जब वो खुद को नहीं पहचान पा रहा है तो हम उसके पीछे क्यों पड़े हैं? मेरे सर पर खून सवार है, याद कर अपने फरिश्ते को। अंकल छोड़ना मत, मार डालो उसे। पागलों जैसी हरकत कर रहा है। तीन तीन रंग बिरंगी तितलियाँ। आप तो भौरे बन गए सर। जवानी में हम तुमसे बहुत आगे थे बच्चू। फौलाद अचानक मोम कैसे बन गया है देखती हूँ। इसके फ्लैशबैक में जाकर देखती हूँ। आई विल डेफिनेटली फाइंड आउट। आपकी लॉटरी लग गई सर, परी खुद चल के आ रही है। अरे हुस्न परी सर, इधर है तेरा ध्यान किधर है? मैं सेकंड हैंड चीजों पे ध्यान नहीं देता। ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं। आपकी परी बंटी ले उड़ा सर, कुछ कीजिए ना। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें एक बार मेरा मतलब तुमने मुझे एक बार किस किया था याद है? नहीं नहीं याद है। फर्स्ट टाइम हम दोनों एयरपोर्ट पर मिले थे। एयरपोर्ट एयरपोर्ट वो एरोप्लेन। करेक्ट।
वहाँ पर हम दोनों मिले थे। अच्छा? तुमने मुझे देखते ही पकड़ लिया था। पकड़ लिया था? आपको कुत्ते पकड़ते हैं सर। चुप कर गधे। फिर मुझे बाहों में भर लिया था। और फिर मुझे यूँ पकड़ के सर चुम्मा पार्ट टू सर। पप्पी शेम आंटी, पप्पी नहीं दूंगा मैं मम्मी को कंप्लेन कर लूंगा। मैं बोल दूंगा उनको मेरी पप्पी लेनी थी। अब मारो सांटी को। शेमलेस आंटी। पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, अब इसका इलाज करना पड़ेगा। देख जानी यहीं बैठ, कहीं मत जाना। मैं आइसक्रीम लेके आया। बड़ी आइसक्रीम लेके आओ ना। अरे मेरे बाप, कुतुब मीनार से बड़ी लेकर आऊंगा, और कोई फरमाइश तो नहीं ना? जश्न की शुरुआत की जाए। बंटी अब तक घर नहीं आया और अंजू बेचारी सुबह से परेशान है। डॉक्टर साहब, आप बता भी दीजिए कि बंटी को आपने कहाँ छोड़ा है? उसे बड़ी सी आइसक्रीम चाहिए थी ना, इसलिए बड़ी इमारत के नीचे छोड़ कर आया हूँ। आप लोग बंटी को लेकर नहीं आए? आप लोग डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के नाम पे कसाई हैं। एक तो उसकी याददाश्त खो गई और आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं। अगर उससे कुछ हुआ ना तो मैं चलो। दादाजी नहीं, वहां देखते हैं। बंटी, बंटी। दादाजी, दादाजी। बंटी तुम ठीक हो? देखो ना दादाजी, आइसक्रीम लेने के लिए गए, मुझे अकेला छोड़ के मुझे भूख लग रही है। आइसक्रीम किसी और दिन खा लेना, चलो घर चलो। दादाजी के आने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उन्होंने कहा था कहीं जाना नहीं। बंटी, दादाजी ने तुमसे झूठ बोला था, तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए, अब चलो। शहर में ढूंढ रही होगी, नहीं मिला। अरे एक बार भूसे में से सुई मिल सकती है, लेकिन मलेशिया में खोया हुआ बंटी नहीं मिलेगा। अरे वो देखो आ गया। कट्टी। ये कट्टी का मतलब क्या है? कट्टी का मतलब है तुम एकदम पागल हो, घोंचू हो, गधे हो, उल्लू हो, लंगूर हो और सबसे बड़े झंडू हो। कट्टी में इतनी गालियाँ होती है। बंटी, वो तुम्हें तंग करते रहेंगे और तुम सहते रहोगे, कुछ करोगे नहीं। क्या करूँ? तुमने फिल्मों में देखा नहीं है क्या, हीरोज विलन्स के साथ क्या क्या करते हैं? हाँ, तुम्हें ठीक वैसा ही करना होगा। तुम हीरो हो और वो विलन्स हैं। अब जाओ और उन्हें सबक सिखाओ। ये पुलिस बन गया? ए, ए बच्चुआ, गब्बर सिंह है क्या? मतलब मैं डर जाऊं? अब तेरा क्या होगा कालिया? कालिया नहीं, हम तीनों का नाम सांभा है। बंटी, अरे गंदे दो। चलो लाइन में। अरे इससे क्या डर रहा है, ये नकली बंदूक है, छीन ले। ये जो कह रहा है इसकी बात मान जाओ, वरना ये गोली मार देगा। गब्बर सिंह के फौजियों, इन गिदड़ों की गैंग ने मिलकर मुझे लगाया चूना। अब इनके फटे ढोल में भूसा भर के करेंगे इनकी खटखड़ी और बजाएंगे इनका झुंझुना। अब जब तक इनके पैर थिरकेंगे तब तक इनके सीने में दिल धड़केगा। शोले पिक्चर तो कौन जमुरा सबसे पहले आएगा? फंस गया बगरा। सरदार, मैंने आपका नमक खाया है। बांगड़ू नाचना शुरू कर, नहीं तो गोली खाएगा। बजा। बंटी, प्रताप सर का फोन है, गन के लिए पूछ रहे हैं। शट अप, जब तक मैं तुम परिंदों के पर ना काट दूं, ना कोई यहाँ से जाएगा ना तुम्हें घर मिलेगी। नाच नाच गोली मार देगा। ए जिंगोर, तू क्या खाला की शादी में आया है? चल शुरू हो जा। ए चमगादड़ की औलाद, गोली मारू क्या? चल डांस कर, शुरू हो जा। कमाल कर दिया बंटी। थैंक यू आंटी। आज हमारा कत्ल होने वाला है।
बाबूजी, तेरे को इनविटेशन दूं क्या? I'm ready. सरदार, नाच नाच के थक गए, ड्रिंक ब्रेक कीजिए. Okay, go. अबे पापड़, हमने पहले जूस तू पी रहा है? देख देख के थक गया इसलिए पी रहा हूँ. अबे सुन, ऐसी कोई तरकीब चला कि ये वापस हॉस्पिटल में पहुंचे. इसको पता चल गया तो कब्र में गाड़ देगा. पता चलेगा? अरे थोड़ा तो अपना दिमाग लगा. बाटली, अब देखना इस दवाई का कमाल. क्या चूहे मारने की दवा? खाली आप पी गए क्या दादाजी? जो आप उस बॉटल में ढूंढ रहे हैं वो ऑलरेडी जूस में है. कहीं आपको चक्कर तो नहीं आ रहा? लगता है इनके साथ मुझे भी डांस करना पड़ेगा. भाई, हॉस्पिटल से खबर आई है कि डीसीपी प्रताप एक स्पेशल फ्लाइट से छोटे को इंडिया लेकर जा रहा है. हमें किसी भी हाल में छोटे को मलेशिया से नहीं निकलने देना है. दादाजी, हम हॉस्पिटल क्यों आए हैं? कौन एडमिट हो रहा है? नहीं ये. अच्छा ठीक है, वहाँ पे बहुत खिलौने भी हैं. आओ तुम्हें दिखाता हूँ. वो डॉक्टर को हेड़ा बना के पेड़ा खा रहा है. उसका जरूर कोई प्लान है. कनेक्शन लगा दिया, अब ये करेक्ट बोलेगा. सर तुम क्या लगा रहे हो? तुम्हारा बुखार उतारने के लिए. अच्छा, पहले मेरा बुखार? सही पहचान. ए, 5 पॉइंट पे सेट कर. इतने भारी शॉक से इसका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. 5 पॉइंट्स. ठीक है, हो गया. मजा आ रहा है. क्यों, क्या हुआ? तारे दिख रहे? ए, पावर बढ़ा रहे. 40 40. ओके, और बजा. अरे और बढ़ा ना यार. हाँ बढ़ा तो रहा हूँ. रुक जा. 70 70. अरे अभी भी कुछ नहीं हुआ इसे. अरे इसकी क्या कहते हैं, डायनासोर के चमड़ी है, कुछ हो ही नहीं रहा इसे. 100% का. 100% करो, 100% करो. दादाजी ने कहा है. बांगड़ू, तेरे दिमाग के ताने वाने में कोई तना तनी नहीं हो रही है क्या? कुछ होना चाहिए था. हाँ, नहीं हो रही इसलिए तू चले आ. अब आपकी बारी है. हाँ, और क्या? सेकंड है. मेरा नंबर 2 है. यू नंबर 1. रेडी सर, करंट देता हूँ. मुझे असरदार करंट दिया तो तुझे बेअसर कर दूंगा. हो गया सर. अबे सर के बच्चे कोई असर नहीं हो रहा है. 5 5 करो. 5 5. कोई असर नहीं हो रहा. कुछ नहीं हो रहा. कर 10 पे बढ़ा दे. 100 पे करना. हाँ कर दिया. ओ, स्विच तो ऑन ही नहीं किया था. दादाजी को शॉक लग गया. मैंने कुछ नहीं किया. मैंने कुछ नहीं किया. बाल की खाल निकल गई. हाय मधु. हाय जी. आज शाम को मैं हैदराबाद आ रहा हूँ. चलो शुक्र है. हैदराबाद आने के बाद एक भी दिन नो ड्यूटी. सारा वक्त मेरे साथ ही गुजारना होगा. मैं आ जाऊँ फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप के लिए. ऑलराइट. क्या हुआ बंजी? दादाजी को शॉक लग गया है. उन्हें कुछ हो गया है. कुछ हो गया? चलेगा. तुम फिक्र मत करो. ओके? ए जी, वो कौन है? वो साइकोजी का मरीज है. थोड़ा सा इसका नाम बंटी है. साइकोजी को दद्दू कहता है. बंटी मेरी वाइफ मधु है. हाय बंटी. हाय आंटी. हमारे घर आओगे ना? हाँ हाँ आऊंगा. दादाजी के साथ आऊंगा. क्या हुआ बेटा? यहाँ गोलीबारी हो रही है बाबा. यहाँ गोलियां चल रही है. सुनो बेटा, दादाजी ठीक तो है ना? दादाजी को कुछ हो गया तो मर जाएंगे. मां,
बेटा। कुछ तो बोलो। शूट, शूट। मेरी माँ और बहन मरे नहीं है बाबा, वो जिंदा है। हा? तुम्हारी माँ जिंदा है? ऑफिसर प्रताप मेरे जीजा है। या अल्लाह, शुक्रिया, अब सब ठीक हो जाएगा, सब तेरे पास होंगे, लेकिन मैं नहीं। नहीं बाबा। बाबा खुश रहो बेटा। बाबा बाबा खुश रहो। संभालिए बाबा। बाबा 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 तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूं। Danny, come soon. You don't worry, sir. Chal. जैसे लोगों के सीने में खंजर घोंपने के लिए ही परसों इंतजार किया मैंने। राजा राम, सन ऑफ रघुराम। भैया, भैया, छोटे को तो मैंने मार दिया है, अब तेरी बारी है। ए, कौन है तू? मैं तेरी मौत हूँ, वो भयानक मौत जो तुझे बेचैन होकर ढूंढ रही है पागलों की तरह। तू चाहे कहीं भी छिप जा, कहीं भी भाग जा, मौत के पंजे से नहीं बच पाएगा। तुझे भगा भगा कर मारूंगा, इतना तड़पाऊंगा कि तू मौत की भीख मांगेगा। शैडो हूँ मैं। हटिए हटिए प्लीज, हटिए प्लीज, हट जाइए, हमें जाने दीजिए, हट जाइए, हट जाइए प्लीज प्लीज। सर, अगर ये असली है तो हमारे आदमी किसे लेकर आए हैं? हमारे ऑफिसर को, डमी को, हम जोखिम नहीं उठा सकते थे। गुड, राणा के आदमी से बचाने के लिए यहाँ जरूर आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। राणा गैंग के आदमी को ना मैंने मारा और ना ही डिपार्टमेंट के किसी आदमी ने, शैडो ने मारा है। ये शैडो कौन है? शैडो कौन है, कहाँ से आता है और किसके कहने पे ये सब कर रहा है,
और राणा गैंग को क्यों निशाना बना रहा है पता नहीं सर। मुमकिन है उससे कोई जाती दुश्मनी हो, और अगर मेरा अंदाजा सही है तो उसका अगला निशाना ये है। राणा भाई, तुम्हारा भाई यहाँ पहुंच गया है। वो प्रताप के साथ है। फिक्र मत करो, वो ठीक है। मेरे छोटे को शैडो ने मारा है। जानता हूँ, पहले पता लगाओ ये शैडो कौन है। तुम्हारा भाई मेरे पास महफूज रहेगा, और वैसे भी जेल इज सेफेस्ट प्लेस इन इंडिया। शैडो, मैडम ये बताइए मधु ठीक है ना, कार में ट्रैवल कर सकती है ना? मिस्टर प्रताप आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इन्हें ट्रैवल करने में दिक्कत नहीं होगी। चिंता की कोई बात नहीं दामाद जी। हाँ मम्मी, पर बच्चों जैसी बातें करते हैं आप, दिन भर बंदूक लेकर घूमते रहते हैं और मैं मंदिर तक नहीं जा सकती। तकलीफ मुझे नहीं है, तुम्हें। चलो चलिए। कैसी है बहन जी? नमस्ते, मेरे बेटे राम का जन्मदिन है, पूजा करवानी जी। अवश्य। राजा राश, मेरे बड़े भैया। जानता हूँ बिटिया, हर वर्ष ये पूजन मैं ही तो करता हूँ। ओम नमः शिवाय। अरे मधु, संभल के, ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? अपनी छोटी बहन के साथ हमेशा मिल बांट के खाना चाहिए। जिस परिवार को तूने बरसों पहले खो दिया था, आज उन्हें जिंदा देखकर तेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए राजा? जब तक मैं राणा का खात्मा नहीं कर देता, तब तक मैं कौन हूं इसका पता नहीं चलना चाहिए। इसमें मेरे परिवार को खतरा है। मेरा बदला पूरा होने तक इस बात को राज रखना। और मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर मुझे हथकड़ी लगनी ही है तो जीजा जी के हाथों लगे। लेकिन प्रताप सर ने राणा गैंग का क्या बिगाड़ा है? यही जानना चाहता हूँ। साइको सिंह आपके जीजा जी के साथ ही है क्या? हाँ। नहीं तो आग के गोले गोले। याद है ये कौन खड़ा है? हेलो, ये ख्वाब है हकीकत नहीं? साइको दादाजी, मैं आ गया। बंटी, हाँ आया, बंद हो जा। दरवाजा क्यों बंद कर ले हो? खामोश। हाँ, बिल्कुल आवाज नहीं। मैंने कुछ गलत कह दिया? चुप शैतान। वहाँ मलेशिया में तुमने मेरे नाक में दम कर दिया, ताड़ के पेड़ की तरह मेरे और अंजू के बीच में खड़े रहे, और यहाँ आगे पूछ रहे मैंने कुछ गलत किया क्या? बेटा तेरे चेहरे से नकाब हट चुका है। अब दादाजी वो तो मैं तुम्हारे दादाजी नहीं। तू उल्लू का पट्टा है। तूने उस दिन जो कुछ देखा, अगर किसी के सामने बक दिया ना तो याद रख तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। उस झन्नाटेदार शौक को मैं 100 सालों तक नहीं भूल पाऊंगा बाबूजी, राज को राज ही रहने दूंगा। वो क्या है कि मैंने अपनी जिंदगी के कुछ पल तुम्हारे साथ गुजारे। पेंडिंग काम पूरा होने तक अपना मुंह बंद रखना। काम पूरा होने के बाद चुपचाप चला जाऊंगा। और अगर नहीं माना, होली आप बिगाड़ दूंगा। यार से मान जाओगे तो चॉकलेट खिलाऊंगा, नहीं मानोगे तो बुलेट खिलाऊंगा। क्या खाना पसंद करोगे? बुलेट नहीं चॉकलेट। मैंने अपने मुंह पे ताला लगा के चाबी समंदर में फेंक दी है जनाब। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए ना ही भूत हूँ ना ही यमदूत हूँ, तू सच्चा मैं झूठ हूँ। एज यू विश प्रेम दूत। चल कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे हाय बंटी, तुम कब आए? मधु ये है बंटी। हाय बंटी। हाय, हाउ आर यू? अच्छी हूँ। बंटी तुमने मधु से बात की थी ना उस दिन, पहचाना? मधु भी तो पहचान गई थी। साइको जी, बंटी को यहाँ क्यों ले आए? जानी इसकी ट्रीटमेंट हमने शुरू की थी और फिनिश भी हम करेंगे। फिनिश करोगे? आप भी फिनिश हो जाओगे। बंटी हमारे आशियाने भी आना। हाँ बंटी जरूर आऊंगा, आऊंगा। दद्दू को भी साथ लाऊंगा, ठीक है? बाय 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 बंटी। भाटिया से बंटी बंटी बंटी।
ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया था। पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। तुमने मिस किया? हाँ, मिस किया, मिस किया। मुझे पता था तुम मुझे मिस करोगे। I'm so happy। खाओगे? उसमें बचा ही क्या खाने के लिए, तू खा। ये ले बाबा जी का ठप्पा। हाय हाय, हीरे जैसी सूरत कटहल जैसी। लड़की फुर हो गई मम्मी। ए जी बहु फुर हो गई। फुर हो गई। मैंने तो बहना को एयरपोर्ट पर मिलने के लिए बोल दिया था। वो मालिक को पहचान नहीं पाई क्योंकि फोटो घर पे रह गई थी। करण जले मोटी मोटी पगार खाता लेकिन काम नहीं करता। उस मनहूस को देखने खुद जाऊंगी। कुछ नहीं, सीधे मांगने करो। हाँ, अंगूठी ठूस दे। हाँ, सीधे अंगूठी ठूस दे। शुक्रवार को। शुक्रवार को। लेकिन सर बहना से कहना तो पड़ेगा। मालूम है क्या बात करोगे तुम? उसे पट्टी पढ़ाओगे और यहाँ से भगा दोगे। चलो चलो जाओ, तैयारी करो बर्बादी की। श्रावण पूर्णिमा है, बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। आज ही के दिन भाई अपनी कलाई पर राखी बंधवा कर पूरी उम्र अपनी बहन की हिफाजत करने का वादा करता है और ये रस्म सदियों से चली आ रही है। बहन भाई के खुशियों से भरे इस त्योहार को रक्षाबंधन भी कहा जाता है। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की दुआ करती है। बहनों को इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि उन्हें अपने भाई से एक तोहफा जो मिलता है। बहन भाई के इस प्यार भरे त्योहार बिंदु, क्यों दिल छोटा करती हो? अरे अरे आओ बंटी, आओ। मम्मी, ये बंटी है। जानती हूँ, उस दिन इसे देखा था। बंटी, ये मधु की माँ है। ये मेरी माँ भी तो है। हाय मधु, तुम रो क्यों रही हो? इसे अपना भाई याद आ रहा है, इसीलिए ये। मैं तुम्हारे लिए खास चीज लेकर आया हूँ, लेकिन तुम आंखें बंद करोगे तो ही तुम्हें दूंगा। बंटी, मुझे परेशान मत कर। अरे बंटी से क्यों नाराज हो रही हो? देख तो लो बेटा, इतने प्यार से कह रहा है। अरे देख तो लो कम से कम। आजा, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो ना मधु। मधु, अब आंखें खोलो। ये राखी तुम मुझे बांध दो। बहुत साल पहले इसका भाई इस दुनिया से चला गया है, तब से ये किसी को राखी नहीं बांधती। क्यों, मैंने यूं किया? मुझे बांध दो ना। अगर बांधोगी तो चॉकलेट दूंगा, नहीं बांधोगी तो मारूंगा। ठीक है, बांध। चलो। आज से तुम मेरी प्यारी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई। भैया, ये लो तुम्हारी चॉकलेट। आप तो खुश हो ना, इतने साल तुम भैया को याद कर रही थी ना। देखो तुम्हें भैया मिल गया। ठीक है, अब चलो, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया, हम चलते हैं मम्मी। ओके बाय बंटी। बाय भैया। बंटी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। जीजा राणा के पीछे क्यों पड़े हुए इस बात का पता चल गया है। अक्टूबर में हैदराबाद में ब्लास्ट प्लान किया गया है, इन सब के पीछे लाला का हाथ है। चल रखता हूं। क्या देख रहे थे? मैं वो कार्टून देख रहा था। झूठ मत बोलो मुझसे। कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, तुम लैपटॉप में क्या देख रहे थे? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? अभी थोड़ी देर पहले मेरी बेटी ने तुम्हें राखी बांधकर अपना भाई बनाया और तुमने मुझे माँ का दर्जा दिया। कहीं तुम कोई जासूस तो नहीं जो प्यार में फंसा कर दामाद जी से जानकारी पाना चाहते हो? ऐसी बात नहीं माँ। माँ कहता है, सच बता, तू यहाँ क्यों आया है? क्यों बता, किसने भेजा तुझे यहाँ? बताइए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर क्या करे राम? जिस बेटे को आपने बरसों पहले खो दिया था, वो बेटा आपको धोखा दे सकता है क्या? ये तो क्या कह रहा है? मेरा राम मैं पहचान क्यों नहीं पाई? कहाँ चला गया था बेटा?
माँ, मुझे लगा उस दिन मैंने तुम दोनों को खो दिया। माँ, माँ की ममता कहीं तरस गया था, लग रहा था अनाथ हो गया। बॉम्ब फटने के बाद मैंने तुम दोनों को बहुत ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। उस दिन मैंने और मधु ने बोट से पानी में छलांग लगा दी थी। हम दोनों बच गए थे। मैंने तुझे बहुत ढूंढा पर तू नहीं मिला। फिर मैं अपने भाई के घर हैदराबाद चली गई। जब मैं वहां पहुंची तो भाभी ने मुझे भैया की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। भैया चले जाओ यहाँ से, मेरे पति के कत्ल के जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग हो। भगवान के लिए चले जाओ। मैं मानती हूँ कि भैया की मौत का कारण मेरे पति की दी फाइल थी और इसीलिए भाभी ने हमसे नाता ही तोड़ दिया। मैं समझ सकता हूँ माँ। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आरती लीजिए। मामी जी। भाभी, ये मेरा बेटा राम है। याद है ना बचपन में ये खो गया था। भाभी पुरानी बातें भूल जाओ ना। मामी जी, किसी वजह से हमारा परिवार बर्बाद हो गया। पिताजी और मामा जी की मौत के बाद हम बेसहारा हो गए, लेकिन मैं उन दोनों की मौत का बदला लेके रहूंगा। बताइए ना मामी जी, कौन थे वो लोग जिन्होंने मामा जी को मारा? अब तो बता दीजिए। बताती हूँ राम, अब तक सच्चाई बताने से डरती थी, लेकिन आज तुम्हें देखकर पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई। तो यहाँ पर क्या कर रहा है देशद्रोही? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे बर्बाद कर रहा है, तेरा खून पी जाऊंगा। तू जिंदा रहेगा तब ना, मैं तुझे अभी ऊपर पहुंचाता हूँ। मेरी जान को खतरा है बिंदु, सुनो। दरवाजा खोल। क्या कह रहे हो? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? हेलो। उन शैतानों को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। चैतन्य प्रसाद त्यागी और राणा कहीं भी हो, मेरे हाथों मारे जाएंगे। एसीपी, इतना जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? देख नहीं रहे हो, आचार्य तो दिन ब दिन मशहूर होते जा रहा है, महात्मा बन रहा है आवाम का। आप लोग शांत रहे, शांत रहे। आचार्यों को मौत के घाट उतार दो। तुम्हें 100 करोड़ दिलवाए वो ब्लास्ट करने के लिए। मुझ पर कितना दबाव है तुम नहीं जानते, और अगर तुमसे ब्लास्ट नहीं हो सकता तो मुझे बता दो। ए, मुझ पे शक कर रहे हो? पता नहीं कौन है वो शैडो जिसने तुम्हारे एक भाई को जान से मार डाला और अब दूसरे भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। छोटा इस वक्त जेल में, अगर उसने मुंह खोला तो हम सबकी धज्जियां उड़ जाएगी। राणा, ये ब्लास्ट होना ही चाहिए। राणा की जबान जो है ना, पत्थर की लकीर से कम नहीं होती। और रहा सवाल आचार्य का, तो वो तो चेथड़े हो ही जाएगा। पर कब? दे हुई तारीख को। अक्टूबर 2। बता किसके लिए काम करता है, तुम्हारे मंसूबे क्या है? सच सच बता, वरना तेरे साथ साथ तेरी फैमिली भी तकलीफ में आ जाएगी। तेरी भी तो फैमिली है। सुना है वो मां बनने वाली है, उसे बच्चे के साथ ही ऊपर पहुंचाना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इन लोगों का प्लान क्या है, इनका टारगेट क्या, ये जानने के लिए सिर्फ यही गवाह बचा है? तुम इसे जिंदा रखने के बजाय इसे मार देना चाहते हो? सॉरी सर, इसने अपनी हद पार कर ली थी। इट्स ओके। त्यागी बोल रहा हूँ सर। मेरा भाई कैसा है?
अभी तक जिंदा है। प्रताप उसे जानवर की तरह खींचता हुआ लाया है। तो तू क्या घास चर रहा है? आप घबराइए मत, उसे कुछ नहीं होगा। मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ, मैं देख लूंगा उसे। मौत डालो उस प्रताप को। क्या पुलिस वाले पे हाथ डालना बहुत भारी पड़ सकता है? 10 करोड़ दूंगा। फिर तो काम हो जाएगा भाई, लेकिन अभी नहीं, गणेश उत्सव में। हम लोग भीड़ का फायदा उठाएंगे और प्रताप को ऊपर भेज देंगे। All the best. Okay. होम मिनिस्टर आ गए? होम मिनिस्टर थोड़ी देर में आने वाले हैं सर। कोई बात नहीं, ध्यान रखना। श्योर सर। ऑल अलर्ट। हाँ बोलो, काम हुआ? ए त्यागी, तुझे दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। जानता हूँ, पैसों के लिए अपने आप को बेचने वाला दल्ला है तू। पुलिस वाले को मारने के लिए जो तूने टट्टू भेजा था, उसे ऊपर पहुंचा दिया मैंने। कौन है बे तू? राजा राम। रुको! अरे मैंने कहा रुको, स्टॉप। कौन हो तुम? तेरे लिए यमराज। शैडो। शैडो? शैडो? कौन शैडो? राजा राम, सन ऑफ रघुराम। राणा के हाथों बिककर तूने और चैतन्य प्रसाद ने जो पाप किए हैं, उसकी सजा है मौत। Huh?
कमिश्नर को किसी ने मार दिया। बात कर रहे हैं। चलो। खबर मिली है किसी व्यक्ति ने कमिश्नर त्यागी का कत्ल कर दिया है। पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। जनाब आइए देखने दीजिए, इसकी तो फुंकी बच गई। वो कत्ल कर डाला। अरे पर किसने? अरे उसी ने, मुझे पता है। मुझे भी पता है। और घुसेड़ दिया। तुम लोगों ने देखा किसने मारा? जानता है, इसको भी पता है, इसको कौन लुड़काया? जनाब क्या देखा तुम लोगों ने? साहब मैंने वही देखा जो इसने देखा। अरे चमन मत मारो, मैं बताता हूँ। वो कातिल को हमने अपनी आंखों से देखा। सीधे सीधे बताओ दिखने में कैसा था वो? आपके बराबर हाइट था, उसकी आंखें एकदम चील के जैसी, खंजर को मुंह में फंसा के ऐसा भाग रहा था, उसी खंजर का मंजर है। उसका चेहरा लाल था और वो तो मारने की बात कर रहा था। बोला क्या नाम था उसका? क्या नाम था? तू बताना। शैडो। भूल गया क्या? तू बोलना। अरे शैडो। अरे यार शैडो वो यहाँ भी पहुँच गया। राणा एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, उस शैडो ने तुम्हारी गैंग को तो खत्म किया ही और यहाँ हमारे कमिश्नर को भी मार दिया। कौन है ये शैडो? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। पर उसने कमिश्नर का खून किस मकसद से किया होगा? एक मिनट, मेरे हिसाब से वो शैडो एक ही आदमी हो सकता है। हा? याद है वो जर्नलिस्ट रघुराम जिसे मारा था? वही रघुराम। उसकी डायरी में उसके ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शैडो। ऑपरेशन शैडो, ऑपरेशन। और उसका बेटा हमारे हाथ नहीं आया था। वही है शैडो, हमें उस लड़के को पकड़ना होगा हर हाल में। आंटी, आंटी, क्या आंटी? इतनी घबराई हुई क्यों? आंटी उस पुलिस कमिश्नर को मारने वाला कोई और नहीं है, बंटी है। मैंने खुद देखा है, मैं सच कह रही हूँ आंटी। आजा बेटा। बेटा बंटी ही मेरा राम है। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जानना चाहती हो तो मैं बताता हूँ। I'm so sorry। तुम्हारी जिंदगी में इतना कुछ हो गया था, मैं नहीं जानती थी। उसे मारकर तुमने अच्छा ही किया। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता इस बात का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन बंटी, अब मेरा मतलब है राम, तुम्हें उस दिन पुलिस कमिश्नर को मारते हुए साइको सिंह ने भी देखा है। उसे मैं देखता हूँ। शक्ल से इतना मासूम लगता है, लेकिन ये बेरुखिया दरिंदा है, दरिंदा। समाज को ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इन्हें तो कैद खाने में होना चाहिए। अगर आपको कोई भी सुराग मिलता है तो आप सीधे मुझे खबर कर सकते हैं, आपको सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग शुरू। मैं हूँ प्रोफेसर साइको सिंह। होम मिनिस्टर साहब को मेरा प्रणाम। मेरा बयान सुनिए, कमिश्नर साहब की जिसने हत्या की है उसे मैं जानता हूँ, वो कातिल मेरे साथ ही ठहरा हुआ है। हाँ। पर मैं कसम खा के कहता हूँ कि इस कत्ल में मैं शामिल नहीं। उस कातिल को आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, हाथियों के आगे कुचलवा दीजिए, फांसी पे चढ़ाइए, लेकिन मुझे मेरा इनाम दे दीजिए प्लीज। क्या है कि अकाउंट में 54 बची है और उसमें भी जंग लग गया। दादाजी कहाँ से आ गया? आइए बंटी, क्या है? आप किससे गुफ्तगू कर रहे थे? मुझे दिन में बड़बड़ाने की आदत है, ध्यान मत दो। ऐसा लग रहा था कि आप किसी मर्डर के बारे में बात कर रहे थे। वो क्या है ना, भूत प्रेत सबके सामने नहीं आते, अकेले में आते हैं। नहीं आते। होम मिनिस्टर का एड्रेस आपको पता है? होम मिनिस्टर साहब तो मेरे घर के आदमी है, बचपन में साथ में गोटियां खेली है। कमिश्नर का कत्ल मैंने ही किया है, मेरा काम पूरा हो गया है, इसलिए मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि इनाम का पैसा भी आप रख लीजिए। आपसे इल्तजा है, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलिए और मुझे गिरफ्तार करवा दीजिए। सच बंटी? दादाजी, दादाजी। बंटी मैंने खामखा आपको डराया है, टॉर्चर किया, कितना जलील किया आपको, फिर भी आपने मुझे अपने साथ रखा, बढ़िया पकवान खिलाए, रहने के लिए इतनी अच्छी जगह दी, इसलिए मैं आपके इस एहसान का कर्जा चुकाना चाहता हूँ दादाजी। बंटी तुझे ये सब बोल रहा है ना, इससे सुन के मेरा कलेजा भर आया। तुझे नहीं पता तूने मेरी किडनी बचा ली है, गरीबी के कारण मैं उसे बेचने वाला था, तू तो मसीहा निकला, मैंने सोचा ही नहीं था। दादा मत सोचिए दादाजी, नहीं तो आपका इनाम हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, अब तुम गरम गरम चाय पी के नरम नरम बिस्तर पे सो जाओ, जब तक तुम नींद की दुनिया से वापस आओगे तब तक मैं कमिश्नर के सामने सच्चाई उगल कर आ जाऊंगा। कमिश्नर को मारने की वजह क्या थी? तुम आम खाओ दादाजी, गुठलियां मत गिनो। आज गुठलियां बोगे तो कल मेरे जैसा आम भागे। राम,
होम मिनिस्टर के बेटे हरिप्रसाद चौरसिया के साथ मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। हाँ तो? उसके साथ मेरी शादी हो जाएगी। तो कर लो। मेरी शादी से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुम्हारी शादी से मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? सॉरी, शायद मैं ही कुछ गलत समझ बैठी थी। ठीक है, मैं शादी कर लूंगी। हाँ, मुझसे शादी करोगी? खुश रखूंगा। चैतन्य प्रसाद सीपी नाम का चैनल चलाता है। शहर के लोग इसे सीपी के नाम से भी जानते हैं। मीडिया की आड़ में सारे काले धंधे करता है। वो तो चैनल छोड़ के मलेशिया में ऐश कर रहा है। सुना है वो इंटरनेशनल चैनल खोलने की फिराक में है, इसलिए वो यहाँ आने वाला है। उसके प्रोग्राम में होम मिनिस्टर खास मेहमान होंगे, इसलिए सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी। और तुम्हारे जीजा ही होम मिनिस्टर के सिक्योरिटी इंचार्ज है। होम मिनिस्टर, ये गर्मी और ये घुटन, इसने तो मेरे दिमाग को हिला कर रख दिया है। चलकर जरा मसाज करवा लूं तो थोड़ी राहत मिलेगी। अरे मानिक। सलाम साहब जी। तुम कौन हो? मसाज वाला मानिक कहाँ है? मैं उनका चपरासी हूँ, आजकल उनका धंधा मैं ही संभालता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, ऐसी जम के चंपी करूंगा कि आप उन्हें भूल जाएंगे। वो एक घंटे बाद भी आएगा तो मैं उससे ही करवाऊंगा, तुम जाओ। एक बार खातिरदारी करने का मौका दीजिए सर। ठीक है। अरे मैं खोल देता हूँ सर, इससे आपको चैन की नींद आएगी सर। रास्ता एकदम साफ है, आ जाओ। अरे मैं अपने बेटे को बेच नहीं रहा हूँ, उसकी शादी कर रहा हूँ। मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। बताइए डैडी, आपके लिए एक पिक्चर आई है, चलो ना मिलकर देखें। अरे सगाई हो जाने दे, फिर देखेंगे। अरे सगाई मैं कर लूंगा, आप पॉलिटिकल फ्यूचर देखिए। क्या मुसीबत है, मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर है? देखें क्या है भाई इसमें। नीलू अवतार, ये भूत कौन है? जानी पहचानी शक्ल है। अरे बापे, ये तो मैं हूँ। ए तू जा यहाँ से, चल चल। अरे बापे, ये देखिए सीपी चैनल का सीक्रेट ऑपरेशन। अरे ये मैंने कब किया यार। अरे बाप रे, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया था। मसाज तो मैं रोज करवाता हूँ, लेकिन मानिक की जगह ये लड़की कौन है? मसाज की जगह मेरी इज्जत लूट गई है। कड़ी से कड़ी सजा। हेलो, कैसा लग रहा है, तोहफा पसंद आया? ये तोहफा नहीं, मेरी बर्बादी है। तुम कौन हो? सीपी चैनल का मालिक चैतन्य प्रसाद। ये क्या है सीपी, ये कैसी डीवीडी? तू कहीं भी कैमरा लगा के कैसे भी कुछ भी शूट कर लेता है। तुम्हारी सारी पोल पट्टी जानता हूँ, अगर मैंने राज खोल दिया ना तो आवाम चूते से मारेगी। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म मेरे पास है, रिलीज करूं? नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया यार। 50 करोड़ चाहिए। इसने तो मुझे टकसाल समझ रखा है। दे दूंगा, मिल जाएगा, फोन रखो। इसे अपना ही घर समझो। नमस्कार मेरी बहन। हाय हाय, ये तो चांद का टुकड़ा है, सोन परी जैसे। ये तो मैं इस पर विदा हूँ मम्मी। ए जी, मैं तो कभी समझी थी। नमस्ते मेरी बहन। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। मेरी ननद खुशकिस्मत है जो मिनिस्टर के घर की बहू बनने वाली है। इस रिश्ते से हमारे घर में भी रौनक आ जाएगी। थिएटर है तो मैं अवतार देखूंगा। नहीं नहीं, वो बिगड़ गया है, डीवीडी घस गई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी बहन के गुरु है, मुर्दों का चीरफाड़ करते हैं। मैं डोंगा श्रीनिवास उस आपसे एक जरूरी बात करनी है, जरा साइड में आइए ना, कोना पकड़ के साइड में तशरीफ रखते हैं। क्या बात है डॉक्टर, ऐसे वक्त पे? कितनी शरारती है मेरी होने वाली बहू, इस लड़के को क्या सिग्नल दे रही है? कुछ तो गड़बड़ है। कमिश्नर साहब का कत्ल जिसने किया है, हाँ? वो हमारा आदमी है। तुमने कत्ल करवाया? उसे मैंने ही मारा है। आगे की कहानी आपको वो सुनाएंगे। आपकी बहू का पेशा क्या है? मुझे बताया गया है कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। डायलॉग वो बोलेगा। आपके खानदान की इज्जत को खाक में मिलाया जा रहा है। मेरे खानदान की इज्जत से तुम्हारा क्या वास्ता है? देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। ऐसी बहू तो लाखों करोड़ों में एक मिलती है, इनकी जोड़ी को नजर ना लगे। नैला मजनू है। हाँ, वो तो दिख रहा है। और बुआ का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। लोगों को लग रहा है कि वो आपके साहबजादे की लैला है, पर इस लैला का तो किसी और से जमेला है, फिर भी आप अपने लड़के की शादी उससे कर रहे हैं। तुम मुझे ये सब सबूत क्यों दिखा रहे हो, बता सकते हो? मैं क्या छुपाऊं, एक दिन आपकी होने वाली बहू और मैं एक रिसोर्ट के रूम में अकेले थे।
वहाँ कमिश्नर ने ये वीडियो बना लिया और आपके होने वाली बहू को ब्लैकमेल करने लगा। आपके खानदान की इज्जत की धज्जिया न उड़ जाए और इस लड़की का घर बस जाए, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अच्छा किया, इस वीडियो को डिलीट करके मामला खत्म क्यों नहीं करते? वो कमिश्नर तो गया सर, लेकिन इस वीडियो की कॉपी उस सीपी चैनल के मालिक के पास है और वो सिंगापुर में है। करेक्ट टाइम पे ये बंदा मुझे मिला है, उस सीपी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। छोटे, उसका काम तमाम कर दे, माला माल कर दूंगा तुझे। बिल्कुल सर। ये क्या, आवाम को पता चला जूते पड़ेंगे। जो गलती करता उसे सजा भुगतनी ही पड़ती है। सही मौका देखकर उसका खेल खत्म कर दो। जिसने भी मेरी ऐसी फिल्म बनाई है उसे इस दुनिया से उठ जाना चाहिए। वाजिब सर, एक खून करने की सजा फांसी होती है और दो खून की भी। इनाम के पैसे आप इन्हें दे दीजिएगा सर। अब बात सिर्फ 1 करोड़ की नहीं रही, 10 करोड़ का इनाम मिलेगा तुम्हें। जाओ। अगले महीने वो एक मीडिया फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए आ रहा है, मैं वहाँ का खास मेहमान हूँ। आप खास मेहमान होंगे तो वहाँ भीड़ बहुत होगी, मक्खियों की तरह। उसकी फिक्र तुम मत करो, निशाने पे मैं लाऊंगा, वार तुम करोगे। हाँ, इस काम के लिए हम लोगों के बीच में एक कोड वर्ड होना चाहिए। तुम्हारा नाम होगा अमर, मेरा नाम होगा अकबर, अपुन है एंथनी। करेक्ट बेटा सीपी, अब होगी तेरी होनी की अनहोनी। जजमान, शुभ मुहूर्त की बेला बीत रही है, शीघ्र आइए पधारिए। मेरे पास अभी अभी इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट आती जाती रहेगी, आप रसम पूरी कीजिए। मांगने की रसम कैंसिल। तू चुप रहे। तुम किसी से प्यार करती हो? देखिए आप इल्जाम मत लगाइए। तुम किसी से प्यार करती हो या नहीं? करती हूं, लेकिन मैं एडजस्ट कर लूंगा। हां, मैं भी एडजस्ट कर लूंगा। शादी तो इसकी मेरे साथ हो रही है ना। तू चुप रहे। शादी तो क्या करेगा? मैं इंसाफ का पुजारी हूँ, ना इंसाफी नहीं होने दूंगा। हे पिए, तुम्हारी बहन जिस लड़के से प्यार करती है इसकी डोली उसी के घर जाएगी। मैं भी इसके साथ जाऊंगा। अरे चुप कर गधे, मेरी बात समझ। फॉरेन डेलीगेशन के साथ होम मिनिस्टर की एक मीटिंग होने वाली है, इसलिए अंदर किसी को भी आईडी कार्ड के बिना जाने मत। ये कमबख्त कहाँ से आ गया? नीचे उतरो, उन्हें भी उतारो। क्या हुआ ड्राइवर, किस बात की चेकिंग हो रही है? अमर एंथोनी, जरा संभल के, आगे चेकिंग चल रही है। ओके। आप घबराइए मत, आज ही चेकिंग होनी थी। अच्छी तरह से देखो। ठीक है सर। उस तरफ ए, वहाँ भी चेक करो। देखो तुम दोनों कोई गड़बड़ मत करना, अगर तुम दोनों पकड़े गए तो मेरी मिनिस्ट्री छिन जाएगी। जब हम हैं तो क्या गम है। ऊपर की तरफ। ए इंस्पेक्टर, ये सब क्या है, ये किस बात की इतनी चेकिंग हो रही है? इन सबको हटाओ यहाँ से। ऊपर से ऑर्डर सर, आपकी गाड़ी भी चेक करनी पड़ी। मेरी गाड़ी भी चेक करनी है? मेरी गाड़ी क्यों चेक करनी है, मैं होम मिनिस्टर हूँ। आपकी हिफाजत के लिए सर, प्लीज बाहर आ जाइए। आ गया मैं बाहर। अब क्या करना है? चेक करना। हाँ खोलता हूँ, आओ देख लो। कौन पकड़ ले? अरे ये तो भांडा फोड़ देंगे। अरे डिक्की खोल दीजिए ना। तू चुप। ये कुत्ते आपकी गाड़ी के आसपास क्यों मंडरा रहे? अरे हम आवाम के मुलाजिम हैं, मंडराने दो, देखने दो, इन्हें भी देखने दो। आओ डिक्की देख लो, ये देख लो भाई, गाड़ी की डिक्की अच्छी तरह देख लो, आंखें फाड़ के देख लो, और उठाओ क्या ऊपर, देख लो और देख लो। ठीक है सर, चलेगा, आप जाइए। हाँ चलो भाई। वेलकम मंत्री जी। हाँ बहुत हो गई इज्जत, चलो लो, लो भाई पकड़ो इसे। चलो चलो, हाँ चलो, ये लो। अब कैसी तबीयत है? जख्म देकर पूछ रहे हो कि घाव कैसे लगा, क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने ऐसा क्या किया सर? अरे क्या नहीं किया तुमने, अपने चैनल में दिखाते नहीं हो क्या? द ओनली टेन कंट्रीज में सीपी चैनल शुरू कर रहा हूँ सर। हाँ क्यों नहीं करोगे, और साथ में हमें भी बर्बाद करोगे। करो भैया करो। ये आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ओके You can go. ID please. Okay, go ahead. Hey, mister. James. आपका आईडी कार्ड। दो, यस। शुक्रिया। बाल बाल बसे ना तो बसे में बाल भी सोले जाते। लेडीज एंड जेंटलमैन, सीपी चैनल वेरी गुड चैनल, ओनली नेकेड ट्रुथ। मिस्टर सीपी, ही इज ब्रिलियंट, आई वांट हिम अप 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 इन द स्काई। कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। नहीं होगा तेरा। तेरे सारे काले कारनामे मेरी नजरों के सामने आ चुके हैं, अब तू देखता जा।
ला वो सब मुझे दे दे। अब क्या चाहते हैं? मेरे पास कुछ नहीं इनके है। पास ऐसी क्या चीज है जो आपके पास नहीं है मालिक? तू चुप कर। अमर अब तू खोद दे इसकी कब्र। किसी भी तरह सीपी को टॉयलेट में लेकर आओ। मुझे लगने पे लेके आऊं या उसे लगने पे? ये कहोगे खुदा जाएगा। ये सच में आएगा? हाँ। हेलो। यू आई एम यू व्हाट रघुराम सोरिया मदर। भैया चैनल कम। Hey, 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 मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली। वहाँ अवश्य कोई गड़बड़ है सर। उन लोगों ने एक अमेरिकन और एक जापानीज आदमी का आईडी छीनकर उसे कमरे में बंद कर दिया और बहुत मारा सर। जेम्स। Hey, मिस्टर। Come on. Hey, stop. MU. MU. Hey. Stop. MU. तू अमर। शिकार आ गया। Hey. बच के जाने ना पाए। फंस गया। आओ आओ सीपी साहब, तुम मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हो और ना सुकून से ये करने दे रहे हो। मिनिस्टर जी, आप क्या कहना चाहते हो? आपके दिल में कोई बात है और आप उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अच्छा जी, और जो तुम कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। अब जो भी तोड़ना मरोड़ना है मेरा आदमी तोड़ेगा मोड़ेगा। छोटे आज इसका चैप्टर यहीं क्लोज कर दो। सीपी चैनल नेकेड ट्रुथ। कहना कुछ करना कुछ, कहना कुछ करना कुछ, कहना कुछ करना कुछ। अरे अंथोनी तुम हो? अरे लेकिन तुमने अपना भेष क्यों बदल लिया? तमाम हो गया मैन। होने वाला है। चुप। अपना माल तैयार रखने का बड़ा अमाउंट मिलेगा। ये सब क्या है? कौन हो तुम? शैडो। शैडो। राजा राम, सन ऑफ रघुराम, अपना जुर्म छुपाने के लिए तूने मेरे पिताजी को मार दिया। उस फाइल को फिर राणा के हाथ बेचकर तूने मेरे मामा जी को भी जान से मार दिया। रघुराम के बेटे हो? मैं जानता हूं तुम और राणा मिलकर एक बॉम्ब ब्लास्ट प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। मैंने ब्लास्ट करवाने का प्लान किया है। मेरा फायदा होता होगा तो मैं कहीं भी ब्लास्ट करवाऊंगा। फायदे के लिए उस दिन तेरे बाप को और उन सबूतों के साथ तेरे उस मामा को मौत के घाट उतार कर वो डायरी मैंने राणा को दे दी। अब तेरी कब्र भी मैं यही खोदूंगा। पिस्तौल फेंक दीजिए। यही है शैडो। मारिएगा, ये मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। ये मुझे मार डालेगा। बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। डोंट शूट हिम। तेरी तो
काम हो गया, अब अपन मिनिस्टर को पैसे के लिए फोन करेगा। अकबर भाई, हम एंथनी बोलता है। माल तैयार है ना? मुझे क्या इतना बेवकूफ समझा है? ये अकबर कौन है और ये एंथनी कौन है? रॉन्ग नंबर लग गया। डियर कस्टमर, डायल किया हुआ नंबर कृपया जांच लें। प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल। दफाओ। अरे बंटी, तैयार है ना? बंटी सुनो ना बंटी, सुनो, तूने तो काम तमाम कर दिया, लेकिन मैं जब भी मिनिस्टर को पैसों के लिए फोन लगाता हूँ तो हर बार रॉन्ग नंबर लग जाता है। अब हम प्रेस के सामने डायरेक्ट एंट्री करेंगे, तू सरेंडर हो जा और मेरे पैसे भेज दे। मुझे घोचो समझ रखा है क्या? घोचो? कत्ल में मदद किसने की? मैंने। तो तुझे भी सजा मिलनी चाहिए। अब घर पर जा और आराम से सो जा। बंटी, साइको सिंह से टकराने का अंजाम जानता नहीं? मैं कसाई से भी बदतर चीर भाड़ करता हूँ, बहुत खतरनाक हूँ। तू अगर खतरनाक तो मैं भी तेरा बाप हूँ। बंटी, तूने सोए हुए शेर की दुम पे पैर रख के उसे जगा दिया है, अब अंजाम देखना। सीपी को मारने वाला शैडो है सर, उसे मेरी आंखों के सामने उन्हें मौत के घाट उतार दिया सर। यस सर, थैंक यू सर। मम्मी मेरी कैब दीजिए ना प्लीज। हाँ ला दे। थैंक यू मम्मी। राणा भाई, रघुराम की बीवी अभी तक जिंदा है, इंस्पेक्टर प्रसाद उसका दामाद है, दोनों को टपका दूं क्या? नहीं, वो शैडो की कमजोरी है, अब वही हमें शैडो तक पहुंचाएगी। ओके। सर, राणा के भाई की पूछताछ चल रही है। हैदराबाद में ब्लास्ट का प्लान किसने बनाया, बोल। नहीं जानता। अरे टारगेट में कौन है? कोई नहीं। कौन है तुम्हारे टारगेट में, बोल, और ये किसके कहने पर कर रहे हो, बोलो। गुरु भाई। सर दरअसल गुरु को मरे हुए एक अरसा हो गया, लेकिन ये आज भी उसी का नाम ले रहा है। हो सकता है वो मरा ना हो, शायद अब भी जिंदा हो। जल्दी बता। मुमकिन है सर, वो मर चुका है, कमिश्नर त्यागी ने ही कंफर्म किया था। त्यागी झूठ भी तो बोल सकता है सर। त्यागी और सीपी की मौत के बाद बहुत से राज सामने आए हैं, और ये भी पता चला है कि ये लोग राणा भाई के लिए काम किया करते थे, शायद इसीलिए शैडो ने उन्हें मारा। शैडो की कोई खबर मिली? नहीं, नहीं सर। मैंने शैडो का केस स्टडी किया है, उसने बहुत सारे हुलिये बदले, बहुत सारे मुल्क बदले, बहुत सारी हत्याएं की, सारी बातों में सिर्फ एक चीज कॉमन है, कोई बता सकता है? वो क्या है सर? वो तुम हो। क्या? वो टारगेट पूरा कर रहा है। जरा सोच के देखो, जिन्हें तुम गिरफ्तार करना चाहते थे उन्हें शैडो ने खत्म किया। मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है वो जरूर तुम्हारा कोई अपना ही है, और अब तुम्हारा अगला टारगेट है वो गुरु। शैडो को मौत के घाट उतारने की बजाय जिंदा पकड़ने की कोशिश करो। एक्सक्यूज मी सर। यस। माय वर्क इज ओवर, कैन आई लीव? यस यू कैन। थैंक यू सर। उसका निशाना राणा गैंग क्यों है सर? हो सकता है इसके पीछे उसकी अपनी कोई निजी वजह हो, कोई रंजिश या इंतकाम। जोश में गुनाह करने वाला तो पकड़ में आ जाता है, पर होशो हवास में गुनाह करने वाला आसानी से पकड़ में नहीं आता। वो शैडो भी इस मामले में बड़ा शातिर है, हम तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, पर वो अपना टारगेट पूरा कर रहा है। तुम तो वही हो ना खंजर वाले, वो उस दिन है? ये पकड़ो, पुराने वाला लफड़ा ना, वो सॉल्व हो गया। हाँ, वो हमने आपस में बातचीत कर ली और सब ठीक हो गया। घबरा मत, अपुन तेरे साथ है। ये प्रताप से गिफ्ट कर, टोपी पहना दिया। जाने देना, काय
को गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। यही उत्सव के दौरान तुम लोगों ने त्यागी जी का खून होते हुए देखा था। करते हो तुमने तो उसके साथ पैचअप कर लिया ना। अबे क्या बक रहे हो तुम लोग। उसने टोपी पहना के लैपटॉप दिया और गया। किसने? वो शैडो अभी तो यहाँ से गया। काला कपड़ा गोरा थोपड़ा देखे नहीं क्या? अरे इधर 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 चकमा देकर निकल गया वो। सुनो जब्बार, वो गुरु अब भी जिंदा घूम रहा है। पूरा शहर छान मारो और उसका पता लगाओ। जैसे ही उसका पता चले मुझे खबर कर देना। रुक जाओ। तुझे लगता है तू सारी दुनिया को बेवकूफ बना के आसानी से यहाँ से निकल जाएगा? अरे छल्ली छल्ली कर दो। कौन है तू और इन पुलिस वालों को क्यों टपकाया? तूने अपन को बचाने के लिए सब किया? कौन है तू? आई हेट पुलिस, इसलिए मैंने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। तुम मुझे खतरे में लगे, इसी वजह से मैंने तुम्हारी जान बचाई। भाई तू शेर का बच्चा है, तूने अपन को बचा ला है। तू करता क्या है? पैसा मांगता है क्या? हाँ, पैसों के लिए मैं ऐसे सैकड़ों को मार सकता हूँ। तुम्हारे लिए मैंने ये काम फ्री में किया है। मुझे काम की तलाश। काम चाहिए? अरे बिड़ू समझ ले, तेरे को अभी से काम मिल गया। वो जो राणा भाई है ना, अपन उसका राइट हैंड है, उससे एक बार मिले तेरे को टॉप पे पहुंचा देगा। राणा तो विदेश में बैठा है, वो यहाँ कैसे आ जाएगा? अरे बिड़ू वो आने वाले हैं, राणा भाई मुंबई आने वाले हैं। एक मिनट रुक, ये ले VIP नंबर है, राणा भाई जरूर फोन उठाएंगे। और एक बार उन्होंने फोन उठा लिया ना, तो बिड़ू तेरी लॉटरी लग जाएगी, समझ गया ना? राजा उसे यकीन हो गया, पूरी तरह से यकीन हो गया। चल सारी बातों में सिर्फ एक चीज कॉमन है, कोई बता सकता है? वो जरूर तुम्हारा कोई अपना ही है। मां। क्या हुआ राम? वो राणा भाई आज शाम की फ्लाइट से आ रहा है, उससे पुराना हिसाब चुकता करना है। उसने जिस तरह पिताजी और मामा जी को मारा था, उसे भी ठीक उसी तरह तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दूंगा। बंटी। हाँ? मम्मी की याद के खीर खाने आए? नहीं सर। तो फिर क्यों आए हो यहाँ? मम्मी से मिलने आया था। सुना तुम्हें गन बहुत पसंद है? हाँ पसंद है। और तुम्हें पसंद है लोगों की जान लेना? ये क्या बोल रहे हैं आप, मैंने किसकी जान ली है? अभी बताता हूँ। शकील अंकल, रॉबर्ट अंकल, जीवा अंकल, त्यागी अंकल और फिर CP अंकल। इन सबका खून क्यों किया तुमने? ये आप क्या कर रहे हैं? बंटी ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये बंटी नहीं है मधु, शैडो है, एक खतरनाक कातिल। तेरा खेल खत्म, अब तो बच नहीं सकता। राणा का खेल खत्म होने से पहले मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ए, शैडो, क्या कर रहे हो तुम? बंटी, देखा छोड़ दो। बंटी, मम्मी को छोड़ दो। गिव मी द गन। बंटी, शैडो, देखो, ए, देखो, देखो शैडो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मैंने कहा। चलो, देखो शैडो, शैडो रुक जाओ। बंटी, मेरी बात मानो। नहीं। शैडो। बंटी। शैडो मैं कहता हूँ। राम, अपने पिता के कातिलों को जिंदा मत छोड़ना चाहो। मम्मी। मम्मी अब ठीक तो है ना? वो तो भाग गया बेटा। भाग गया? या आपने उसे भगा दिया? मधु, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मधु, ये तुम क्या बके जा रही हो? मैं सच कह रही हूँ, माँ ने ही उसे अपने हाथों से चाकू दिया था, मैंने खुद देखा है। आपने ऐसा क्यों किया माँ? क्यों किया? क्यों किया आपने? क्योंकि वो तेरा सगा भाई राम है, इसलिए। ये आप क्या कह रहे? हाँ मैं सच कह रही हूँ, तुम जिस शैडो को ढूंढ रहे हो वो राम ही है। भैया, तुम्हारी नजर में वो एक गुनहगार हो सकता है,
लेकिन उसने सिर्फ एक बेटे का फर्ज अदा किया है। मेरा बेटा राणा का सर्वनाश करके ही लौटेगा। सर, वो शैडो वाकई बहुत चालाक है। आखिर वो है कौन? क्योंकि हम उसकी तरह नहीं सोचते। ब्लास्ट कहाँ होने वाला है अभी तक हमें पता ही नहीं। हमारा काम है इसे कोर्ट में ले जाना। इसे बेल मिल जाएगी और ये फिर आजाद हो जाएगा। प्रताप कमेंट। Tell me sir, प्रताप, आचार्य जी की बैंगलोर वाली मीटिंग कैंसिल हो गई है। वो हैदराबाद शिफ्ट हो गई है। वो शाम को 5 बजे जिमखाना ग्राउंड में होगी। ध्यान रहे, वहाँ कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। श्योर सर, मैं देख लूंगा। आज शाम की सभा किसी भी हालत में होके रहेगी। अगर इसके लिए खून भी बहाना पड़े तो बहा देंगे। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। सर मुझे डर लग रहा है सर, इस सभा के लिए लाखों लोग इकट्ठा होने वाले हैं। वहां कुछ गड़बड़ हो गई तो। माय गुडनेस, आज 2 अक्टूबर। क्या हुआ सर? वो 2 अक्टूबर यही है। राणा भाई के टारगेट की डेट भी यही है। धमाका आज ही होगा। सब पीछे हो जाओ। मेरी नाक में दम करने वाला पहला पुलिस वाला तू ही है। अब होगा तेरा दी एंड। भाई मर गया। इनकी बॉडी से हमने 5 बुलेट निकाल दी है। जितना हमारे हाथ में था वो हमने कर दिया, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। भैया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? बचपन में पिताजी छोड़कर चले गए, फिर आप हमसे दूर हो गए, और अब ये भी हमें छोड़कर जा रहे हैं। संभालो भैया, जीजू को कुछ नहीं होगा, देखना वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐ छोटे, गुड न्यूज है, राणा भाई आ गया है। अपन ने तेरे बारे में बात कर ली है, मीटिंग के लिए तैयार रहे। मैं भी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राम, राणा ने माजी को किडनैप कर लिया है। मंडली कैसा है मंत्री? ये कौन है जो अब तक हमारी नींदें उड़ा रहा था ना? ये उस शैडो की माँ है। बेचारा सीपी बेमौत मारा गया। इस ब्लास्ट के पीछे बहुत पैसा खर्चा हुआ। सीपी को मौत के घाट उतारने वाला वो मक्कार शैडो अब है कहाँ? वो कहीं भी हो, इस बुढ़िया के लिए जरूर आएगा। मंडली, अब और इंतजार नहीं होता, चारों ओर लाशें हैं। चलो ब्लास्ट करते हैं। पहले सैंपल तो देख ले मंत्री। अरे ये तो सिर्फ 10 ग्राम का पटाखा है, ये देख पूरा 1.5 किलो है। संभल के फट जाएगा।
पकड़, ये ले जाके तेरे को मंत्री की वैन में रखना है, सारे सामान के बीच में, किसी को कोई शक नहीं होगा, और वैन जैसे ही मंत्री के पास पहुंचेगी ये दबा देना। बूम! ऐसे ही करूंगा, आचार्य जी के चीटे उड़ने के बाद मैं ही बनूंगा मिनिस्टर। एक बार मिनिस्टर बनने के बाद फिर होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फिर प्राइम मिनिस्टर, उससे भी आगे अमेरिका का प्रेसिडेंट, और उसके बाद में इंडिया का ओसामा बिन लादेन। तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, मेरा बेटा उसे चूर चूर कर देगा। भाई मैं इसी की बात कर रहा था, पुलिस वालों को मारकर मेरी जिंदगी बचाने वाला वो शेर यही है। गुरु ने तुम्हारे कारनामों के बारे में बताया, हमारे साथ आ जाओ, ईमानदारी से काम करना। ईमानदार चाहिए तो कुत्ते का पिल्ला पाल लो, मैं शेर की औलाद हूँ, शिकार करना अच्छे से जानता हूँ। डायलॉग बड़े अच्छे मार रहे हैं ये, कहो तो अभी जलवा दिखाऊं। भाई ये बहुत ही पहुंची हुई चीज है, ये अकेला शैडो को संभाल सकता है, आप समझ लो कि शैडो मर गया, अगर वो आ भी गया ना तो सीधे कब्र में जाएगा, अपना ये हीरो है ना उस खजूर को ठिकाने लगा देगा। भाई यही है वो सनकी डॉक्टर, पोस्टमार्टम एक्सपर्ट। पागल डॉन कैसे होते हैं? ये तो अपन पिक्चर में ही देखे लाए। ये ओल्ड लेडी कौन है? शैडो की माँ है, जानता नहीं है क्या? शैडो की माँ है? अगर ये यहाँ पे है तो अपन का शैडो किधर है? अब खैर छोड़ो, लंबी कहानी है। क्या तुम शैडो को जानते हो? शैडो बहुत ऊंची चीज है बा, उसकी शक्ल तो उसके बाप ने नहीं देखी, सूरज उगने से डूबने तक कोई उसकी शक्ल नहीं देख पाता। अबे ढीले, शैडो नहीं मिला तो तू भी मरेगा, और अगर वो आ गया तो तुम सब मरेंगे। चपड़ गंजू, शैडो अगर तेरे सामने होगा तो उसे पहचान लेगा, अंडा कर डालेगा तो अपन पहचान लेगा। गूगल की औलाद हो क्या? इंग्लिश झड़ रही तेरा आदमी। अच्छा तो तूने शैडो को अपनी आंखों से देखा है, तो तू उसे पहचान सकता है? अरे डॉक्टर क्या गंडागोल कर रहा है, अगर पता है तो बता देना। खामोश क्यों हो गए, आगे बोलो। इतनी छोटी सी बात इतने बड़े खोपड़ी में नहीं उतर रही, वो अपन को देख सकता है, अपन उसको नहीं देख सकते। अरे वो मिस्टर इंडिया देखे लाए ना, वो रहता अपन के साथ नीचे, लेकिन उसको देख नहीं सकते, फालतू में मार डालेगा। ए चाबी के छल्ले, शैडो कहाँ है? शेरों का शेर है वो, करता सबको ढेर है वो, तुम सबका बाप है वो, मेरा माई बाप है वो। तार के पैर तेरा शैडो नहीं है क्या, मेरा शैडो नहीं है क्या, इसका शैडो नहीं है क्या? आर करेगा पार करेगा, सबको मार देगा वो, सबको मार देगा वो, सबको मार देगा। जोर का झटका धीरे से लगा ना। अरे भाई अब सब कान खोल कर सुन लो, इस बुढ़िया को बचाने के लिए वो शैडो यहाँ जरूर आएगा। जाओ और जाके भून डाल, जल्दी जल्दी। देश को बेचने निकला था शैडो, मेरे पीछे क्या रहे हो, वहां नीचे जाओ, जाओ उसे भून डालो। ए चल जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर, दरवाजा बंद कर, चल। शैडो आ गया क्या भाई? हे जन्नत में भी बिजली जाती है? बिजली नहीं गई, वो आ गया। कौन आ गया? अबे घन चक्कर, शैडो आ गया। शैडो, शैडो तो हर जगह हमारे साथ रहता है जानी। क्या? शैडो को किसी ने नहीं देखा, तुमने भी नहीं, कोई उसे पहचान नहीं सकता। हकीकत है Oh, my God.
तो तू शैडो है क्या? ये लो शैडो मिल गया। शैडो तेरा लड़का शैडो ऊपर पहुंच गया। ए, ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा ये है शैडो, तेरी मौत। आज तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। ये तूने ठीक नहीं किया। मेरी आंखों के सामने तूने मेरे पिता को मारा था, आज तेरे ही हाथों मैंने तेरे भाई को मरवा दिया। मुझे माफ कर दे, छोड़ छोड़ दे। इतने साल इंतजार किया तेरी छाती में छुरा घोंपने के लिए, तुझे माफ कैसे कर दूं? सर ये राम है भैया, मेरे भैया।